हेलो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का सेशन खास है, या मैं कहूँ बहुत खास है। आज हमारे सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी है, या ऐसे कहूँ ऐसे यूथ गाइड हैं जो हमारी हम यूथ जितने भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, या जिस तरह की भी स्पेशली इस पैंडमिक में हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसलिए मैंने इनको खास इन्वाइट किया है सिर्फ आप लोगों के रिक्वेस्ट पे। थैंक यू प्रभु जी, आपने अपना टाइम दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रभु जी का आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, बिकॉज ऑल दो इनके इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बट प्रभु जी एक जयपुर MNIT से इन्होंने सॉफ्टवेयर बीटेक इंजीनियरिंग की, और अभी प्रभु जी अक्षयपात फाउंडेशन में एक रिनॉन्ड स्पीकर के फॉर्म में है, जो बहुत सारे लाइफ चेंजिंग सेशंस लेते हैं, और ना जाने कितने लोगों की इन्होंने लाइफ चेंज किए, इनमें से मैं भी एक हूँ। क्योंकि जब मैं CA कर रहा था आप लोगों की तरह, तो मैं भी प्रभु जी के साथ टच में था। इनफैक्ट अतुल सर वगैरह हम लोग सभी इनके टच में थे, और जो लोग जयपुर में रहते हैं और जो लोग ऑल ओवर इंडिया, मेरे ख्याल से अक्षय पास फाउंडेशन तो पूरे इंडिया में ही इतना फेमस है कि सब जानते हैं, और प्रभु जो लोग जयपुर में रहते हैं वो तो प्रभु जी को जानते ही जानते होंगे। तो प्रभु जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर, लिटरली वी आर ऑनर्ड कि आप यहाँ आए और आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। एंड मैंने बहुत लोगों से सुना है, स्पेशली कुछ लोगों से मैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो IIT जोधपुर वगैरह या NITs में पढ़ते हैं, तो बताते हैं कि आपने उनकी लाइफ में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन लाया, क्योंकि आप लोग काफी सेशंस लेते हैं वहां जाके, और आपने मुझे टाइम दिया, यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स को टाइम दिया, अनअकैडमी को टाइम दिया। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप यहाँ आए, एंड थैंक यू प्रभु जी। एंड मैं चाहता हूँ कि आप कुछ वर्ड्स कहें और इस सेशन को शुरू करें। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। सो we know that today we are going through a very tough phase of our life, where every day we get to hear some bad news, and we are also very much panic. So how to take up all these things, how to understand them, how to pass through these challenges? So there are different levels of, you can say, problems we may face in our life, but this is something which is harassing every one of us in the society. Even it may be elderly person, or not young person also, or somebody rich or poor, anyone, all of them, they are going through these sufferings. So we'll try to understand how to keep ourselves balanced, how to keep ourselves calm, and how to go through these tough situations in our life. So though I have planned to take up various questions from the users here, but first of all, I would like to take you to a small presentation, which I'll explain, or you can say prepare a ground, and on that ground we'll try to build up some conceptions, and usse hum samjhenge aur zyada aapke jo questions hai unko, aur un questions ko bhi mujhe batane mein aapko easy rahega. So for that I'll go through this presentation first. This is about self-management. Before starting, I would request every learner and every viewer, आप अपने जितने भी questions हैं, आप comment box में लिखिए। मैं at the end of the session, जब भी session में question answer session अभी आएगा, मैं आपके behalf पे प्रभु जी से जो भी आपके questions हैं, मैं उनसे पूछूंगा, एंड जो भी बेस्ट रेजोल्यूशन होगा, जो भी बेस्ट उसकी रेमेडी होगी, जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा, प्रभु जी आपको बताएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, एंड तब तक प्रभु जी जो बता रहे हैं उसको एक बार ध्यान से सुनिए, बिकॉज लिटरली इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। यस प्रभु जी। सो सेल्फ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द सेल्फ। हम बाहर बहुत सारी चीजें मैनेज करते हैं, सोशली, पॉलिटिकली और नेशनली, सो मेनी थिंग्स वी मैनेज, बट वी हैव टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल टू मैनेज अवर सेल्फ, टू मैनेज अवर ऑन इमोशंस, टू मैनेज आवर डीलिंग्स विद अदर पीपल, how we get affected by responses of the other person. So all these things, they come under this self management. So this self management we are going to understand, and self management mostly involves the how our moods are getting affected. Jo hamare moods hain, happiness or distress, wo kaise affect hote hain dusron ke reaction se. So we'll take up this small understanding of how our happiness and distress is getting affected because of others' responses, and किस तरह से हम इसको hype करते हैं हमारे happiness and distress को, जो कि actuality में अगर देखें तो बहुत ही छोटा होता है. So we'll understand this in the first.
And then we'll understand the various other aspects also. तो पहली पहली जो चीज है वो है कि सभी जो लिविंग एंटिटीज हैं इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जितने भी हैं वो सभी का एक सभी लोग भाग रहे हैं कुछ चीजों के पीछे. कोई किसी चीज के पीछे भाग रहा होगा पावर के पीछे, कोई नेम फेम, कोई मनी, कोई ब्यूटी वेल्थ, राइट. एंड व्हाई दे आर रनिंग आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, नॉट दैट दिस इज द एंड ऑब्जेक्ट ऑफ देयर रनिंग आफ्टर दोज ऑब्जेक्ट्स. वो केवल वो एंड गोल नहीं है उनका, द एंड गोल इज हैप्पीनेस. दे वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड द हैप्पीनेस इज प्रोमिस्ड इन ऑल दिस थिंग्स. वंस यू बिकम वेरी रिच, वंस यू बिकम वेरी ब्यूटिफुल, वंस यू बिकम यू गेन नेम फेम एंड ऑल दैट. सो दिस इज हाउ वी आर हैंकरिंग आफ्टर ऑल दिस थिंग्स एंड अल्टीमेटली वी वॉन्ट टू बी हैप्पी. दिस इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड. सो हैप्पीनेस जनरली हम जो सोचते हैं वो क्या है, मैं जो ऑब्जेक्ट्स एक्वायर करना चाहता हूं मेरी लाइफ में वो मैं एक्वायर कर लूं, या अलग अलग लेवल का अगर हम बात करें, सेंसुअल हैप्पीनेस मतलब हमारे जो सेंसेस हैं आंख कान नाक मुंह, इनके सेंस ऑब्जेक्ट होते हैं. जैसे टंग के लिए सेंस ऑब्जेक्ट क्या हुआ, फूड, टेस्टी फूड. सो दैट इज सेंस ऑब्जेक्ट फॉर टंग. सो आई एम वेटिंग, मुझे अगर वो अच्छा वाला डिलीशियस फूड मिल जाए देन आई विल बी हैप्पी. By bringing that in contact with my tongue, I'll be happy. Similarly, bringing the beautiful form of that place, या ये movie मुझे देखने को मिल जाए, या ये मुझे देखने को मिल जाए मेरी आंखों के satisfaction के लिए. So if I bring those sense objects, or if I am in those situations, मेरा मन है कभी मैं कुल्लू मनाली घूमने जाऊँ, वो जगह देखने को मुझे मिल जाए, उस situation में मैं चला जाऊँ. So like that we keep on hoping to acquire some object or to be in a situation. Or to be able to perform some action which we like. So these are the sense objects, various sense objects. And what is the general understanding of happiness? It is bringing together sense and sense object. We think, ek bar mera sense, tongue or food, dono contact mein aa jaye and I'll be happy. Right? Now, as the age passes, this sense and sense object may change. A child may ask only for some toy. That is the sense object for that child, or some sweet balls. But as the person comes in his young age, uske time pe sense object uske change ho jayenge. I want to have a bike, or I want to be in some particular city, Bangalore, Mumbai. I want to be in some metro city, or I want to go for higher studies in the US. I want to be in such situations. I want to able to perform a beautiful, or you can say some singing or some drama. ये सब मैं कर सकूँ. अलग-अलग sense object हमारे change होते रहते हैं with respect to time. So we want that somehow if I can meet my sense objects, that will be happiness. And when I'll be with my sense object, I will be happy. That is my understanding. But let us understand it very clearly. ये जो हमें दिख रहा है कि ये happiness है, this is not the complete happiness. इसमें most of the part जो होता है वो क्या होता है, hype किया हुआ होता है, और आप बोल सकते हैं advertise किया हुआ होता है. So what are those advertising factors? Or you can say hyping factors, which make our happiness look even bigger, though it is not so big, but it looks very big, right? So what are those other factors? We'll understand here. So this is not the complete definition. And then the other factors are pleasure of whimsical free will, desire, false identity, perception, hype, hunger, and pain to achieve. We'll understand them one by one. No need to worry. So this already we have understood the sense objects. You can see material objects. पर्सन, सिचुएशन एंड एक्शन. ये चार चीजें हम डिजायर करते हैं कि इनके साथ में हम हों तो हम खुश हो जाएंगे. मैं इस पर्सन के साथ में अगर मैं होऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं इस सिचुएशन में अगर हुआ तो मैं खुश हो जाऊंगा, या मैं ये एक्शन अगर मैं कर पाया तो मैं खुश हो जाऊंगा. दिस इज सेंस ऑब्जेक्ट. हम वो चीज करना चाहते हैं, अगर हम वो हमें मिल गया तो हमें हैप्पीनेस हो गया. बट दैट हैप्पीनेस इज हार्डली 10%. And the other 90% is actually hyped or advertised. Let us understand that how. The second factor which artificially, sorry,
क्योंकि आपका पूरा नहीं दिख रहा, मतलब एक सब पार्ट ही दिख रहा है इसका। ओके वन सेकेंड, पीपीटी को हम और बड़ा करें। हाँ, अब हो गया, अब हो गया। ओके आई थिंक पीपीटी तो कंप्लीट है, बस थोड़ा छोटा दिख रहा है वो, क्योंकि हम जब दिख आप अभी अभी भी जैसे आपका फोटो आ गया, अभी बड़ा हो गया था, लेकिन अभी फिर से वही हो गया, अब और छोटा हो गया है थोड़ा। उसको बड़ा कर रहे हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, हमारा फोटो और छोटा कर सकते हैं। अभी विजिबल है, अंडरस्टैंड हो रहा है, विजिबल है, लेकिन आपने अभी बीच में बड़ा किया था ना, तो पूरा ही आपका स्क्रीन पे फिर वो आ गया था, या तो okay. ऐसा। हाँ, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट। ओके, वी'ल गो विद दिस ओनली देन। ओके, सो प्लेजर ऑफ व्हिम्सिकल फ्री विल, द सेकंड फैक्टर व्हिच आर्टिफिशियली इंक्रीजेस अवर हैप्पीनेस। हाउ व्हिम्सिकल फ्री विल, मतलब हम सभी की एक फ्री विल है कुछ करने की, मेरे इच्छा है, मैं ये करना चाहता हूं, और जो मेरी इच्छा है उससे मेरा अटैचमेंट है, और वो इच्छा को अगर मैं कर पाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, और अगर मैं मेरी इच्छा को नहीं एग्जीक्यूट कर पाया तो मैं खुश नहीं होऊंगा। सो इट इज ओनली ए मैटर ऑफ व्हिम्सिकल फ्री विल। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, इवन फॉर सम चीप थिंग्स, आप देखेंगे कई बार ऐसा हो, सपोज कोई डांस कर रहा है स्टेज पे, और आप दो लोग उस पर ऐसा बताते हैं कि मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, तुम ये वाले गाने पे डांस करो। दूसरा पर्सन बोलता है नहीं नहीं, आपको मैं 500 रुपये दूंगा, आप इस गाने पे डांस करो। तो डांसर को तो बढ़िया, अच्छा है, 500 रुपये मिल रहे हैं तो उस पर गाने पे डांस करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन बोलता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें 1000 दूंगा। दूसरा बोलता है नहीं, मैं 5000 दूंगा। ये इधर वाला बोलता है, फर्स्ट बोलता है मैं 10000 रुपये दूंगा, इसी गाने पे डांस करना है। इधर वाला बोलता है मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, ये बोलता है 5 लाख दूंगा, ये बोलता है 10 लाख दूंगा। अब आप सोच के देखिए, वो जो डांस परफॉर्मर है उसका जो डांस है वो 5 लाख और 10 लाख के वर्थ नहीं था, वो इतना वर्दी डांस नहीं था कि वो 5 लाख 6 लाख था, 5 लाख 10 लाख था वो। बट जस्ट बिकॉज देर इज ए मतलब एक कॉम्पिटिशन है किस चीज के लिए, कि मेरी इच्छा 5 लाख, मतलब मैं जो चाहूं वो करना है मुझे, ये उसी गाने पे डांस करना चाहिए जो मैं चाहता हूं। समटाइम्स वी इन्वेस्ट इन सम पिटी थिंग्स, जो कि मतलब इतना वर्दी नहीं है, फिर भी हमने उस पर कितना स्पेंड कर दिया, 5 लाख 10 लाख। सो जब वो मैंने जब 5 लाख लगाया और उसने डांस कर दिया उस पर, तो हालांकि वो जो डांस है, डांस परफॉर्मर है, उसका डांस तो केवल 100 रुपीज वर्थ था, लेकिन मुझे प्लेजर बहुत ज्यादा किस चीज का आ रहा है, कि मैं वो करवा पाया जो मैं चाहता था, मैं वो करवा पाया वो जो मैं चाहता था, इवन दो आई हैड टू स्पेंड 5 लाख रुपीज। सी दिस इज हाइप्ड हैप्पीनेस, द ओरिजिनल हैप्पीनेस वाज वेरी वेरी लो देयर, बट इट इज ओनली बिकॉज ही कुड एग्जीक्यूट हिज व्हिम्सिकल फ्री विल, ही इज थिंकिंग ही हैज गॉट मोर हैप्पीनेस आउट ऑफ दैट एक्टिविटी। सो दिस इज व्हिम्सिकल फ्री विल। Then next comes desire. We all have desires for various things like possession, lording, achievement. This is one. हम कुछ अगर हम desire ही नहीं होगा और हमें वो चीज़ भी मिल जाए तो हमें कोई happiness नहीं होगी। मेरा इच्छा ही नहीं था IIT में जाने का, मैं जबरदस्ती IIT में पहुँच गया, ऐसे तैयारी करके कुछ exam लिख दिया, so I will not so happy. But if I have a longing desire from my childhood, I am waiting. जब मुझे desire है then I will achieve it. Then happiness will be called, or you can say it will be increased. Or desire for knowledge, all of us, we have the desire for knowledge. जैसे मान लो आप अभी रूम में बैठे हैं कहीं पे, आप सुन रहे हैं, अचानक से दूसरे रूम में कहीं से कुछ थोड़ा सा भी आवाज होता है, immediately your attention goes there. Why? There is a desire to know what has happened. What has happened? So this is desire for knowledge, then desire for pleasure. So these desires also, because of the desires are there, the happiness looks even bigger. Then next comes false identity. I'll take much time on this. False identity is
हम ओरिजिनली हमारी जो आइडेंटिटी है दैट इज दैट वी आर अ ह्यूमन बीइंग एंड अबव दिस आइडेंटिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन वी हैव आइडेंटिटीज लाइक हाउ मच एजुकेटेड आई एम द स्टेट आई बिलोंग टू द नेशन आई बिलोंग टू या हम कौन से रिलीजन से कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं लाइक यू मे फाइंड सम पीपल दोज आर अटैच्ड टू मच टू देयर लैंग्वेज या बहुत ज्यादा अपने स्टेट या नेशन से बस हाँ यही है सब कुछ मेरे लिए राइट सो वी आर नॉट टेलिंग दैट दे आर रॉन्ग बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड नॉट गेट इन टू टू मच इन द आइडेंटिटीज वी कैरी वाई बिकॉज दीज आइडेंटिटीज विल मेक अस वी विल फॉरगेट अवर रूट आइडेंटिटी like a root identity is a human being's identity. Suppose you are a CA and this identity of being a CA has completely ये मतलब इसको ये जो identity है CA की पूरा overlap कर गई आपके original identity को जो कि एक human being की identity है तो क्या होगा जब आप किसी ordinary human being से जब deal कर रहे हैं suppose some illiterate person you are speaking to तो क्या होगा आप कैसे बात करेंगे You will be expecting he should respect me और मतलब आप उससे बात ही नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि आप अपने आप को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपने अपनी जो आइडेंटिटी बहुत थिक कर ली है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट ही शुड रेस्पेक्ट यू एज सी ए यू आर नॉट थिंकिंग योर सेल्फ एज ए ह्यूमन बींग सो वी टू अंडरस्टैंड दर इज नथिंग रॉन्ग कैरिंग ऑल दीज आइडेंटिटीज बट वी शुड नॉट मेक दीज आइडेंटिटीज वेरी मच थिक ओवरलैपिंग अवर ओरिजिनल आइडेंटिटी दैट इज identity of being a human. So also जब आप even अगर हमारे happiness and distress की बात करें हम suppose India and Pakistan there is a match. If India wins the game, immediately I am happy. Why? Because I have this identity of being an Indian. So मेरा happiness केवल एक match था वो match में winning हुआ लेकिन मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूं एज एन इंडियन दैट्स व्हाई माय हैप्पीनेस गॉट इंक्रीज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ आइडेंटिफाइंग अगर मैं आइडेंटिफाई नहीं करता सपोज आई एम एन ऑस्ट्रेलियन आई विल नॉट गेट गेन एनी हैप्पीनेस आउट ऑफ दैट ऐसे ही आपसे भी सपोज किसी कॉलेज में आप पढ़ते हैं और उस कॉलेज में कुछ टूर्नामेंट हुआ किसी दूसरे या कुछ कॉम्पिटिशन हुआ किसी दूसरे कॉलेज के साथ में एंड योर कॉलेज वन द थिंग्स राइट गेम एंड वॉट एवर तो इमीडिएटली आप भी उससे अफेक्ट हो रहे हैं क्यों बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ एज ए स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज सो हाउ वी आइडेंटिफाई अवर सेल्फ विद दिस वर्ल्ड जितना हमारा जिस आइडेंटिटी से हमारा जितना अटैचमेंट होगा हम उतना ही अफेक्ट होंगे उस चीज से हम अगर जितना थिकली किसी चीज के बारे में अटैच्ड हैं हमारी आइडेंटिटी के बारे में उतना ही ज्यादा हम अफेक्ट होंगे जब उस आइडेंटिटी के साथ में कुछ होता है तो लेकिन हमें समझना है कि आइडेंटिटीज जो होती हैं टेम्पररी होती हैं टुडे आई एम लिविंग इन स्टेट ऑफ राजस्थान सो आई मे बी कॉल्ड अ रेजिडेंट ऑफ राजस्थान दैट इज माय आइडेंटिटी ऑफ बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ राजस्थान बट टुमारो आई मे चेंज इट टू अनदर स्टेट देन माय आइडेंटिटी ऑफ बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ राजस्थान विल बी नो लॉन्गर आई विल बी रेजिडेंट ऑफ सम अदर स्टेट सो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो आइडेंटिटीज जो हमारी होती हैं दे टेम्पररी आइडेंटिटीज दे कीप ऑन चेंजिंग दैट्स व्हाई वी शुड नॉट गेट अटैच्ड नाउ समबडी आई विल मेक टू स्टेटमेंट्स समवन सेज आई एम प्रिंसिपल एंड अनदर पर्सन सेज आई एम एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल फर्स्ट आई एम प्रिंसिपल दैट मीन्स ही इज इन्वॉल्विंग थिकली विद द आइडेंटिटी ऑफ बींग अ प्रिंसिपल दैट ही कैनॉट कम आउट ऑफ दैट आइडेंटिटी And I am acting as a principal means he understands first that I am a human being. For the time being, maybe 4 years, 5 years, I am acting as a principal. So, jab usko principal identity se jab bahar aana hoga, he will not have any difficulty. He will not have any difficulty because he understands my root identity is a human being's identity. But if a person is thickly involved with his identity, then it will be very difficult. कोई पर्सन किसी पोजीशन पे पहुंच गया अच्छे पोजीशन पे बहुत अच्छे पोजीशन पहुंच चुका है अब वो अगर उस आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा थिकली इन्वॉल्व हो चुका है तो अगर मान लो उसके एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती हैं और उसको ये भी नहीं वो उसको अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी का भी अच्छे से अंदाजा नहीं है तो वो क्या होगा डिप्रेशन में जाएगा सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑलवेज रिमेन इन योर रूट आइडेंटिटी एज ए ह्यूमन बींग डोंट लेट दीज आइडेंटिटीज हाइप योर हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस है ना सो ये हाइप जो ये सबसे बड़ा हाइप होता है फॉल्स आइडेंटिटी का सो वी शुड बी केयरफुल ऑफ इट
नेक्स्ट इज परसेप्शन. परसेप्शन ऑलरेडी बिकॉज क्योंकि हम अलग अलग कल्चर, एजुकेशन, सोसाइटी, जहाँ जहाँ से हम फ्रेंड्स जिनसे मिले हैं उनके अकॉर्डिंग वी हैव डिफरेंट परसेप्शन, वी बिल्ड अप डिफरेंट परसेप्शंस एंड उसके अकॉर्डिंग हम आज ये दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं. हम 20-25 साल तक तो इन्फॉर्मेशन को इन करते हैं, इन 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 सबसे सुनते 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 एंड आफ्टर 20 to 25 ईयर्स वी जस्ट नॉट लेट एनीथिंग इन. वाई? बिकॉज क्योंकि तब हम सोचने लगते हैं कि अब मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, अब मुझे कुछ ज्ञान की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है. सो उसके बाद में जो भी कुछ होता है वो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं जज करता हूँ. कोई भी नया नॉलेज मेरे पास आता है तो मैं उसको जज करता हूँ मेरे पास पहले से जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे. सो दिस इज हाउ आई गो ऑन एंड माई परसेप्शन आर जनरली फिक्सड अप until the age of like 20 to 25 years tak fix ho jate hain. After that a person generally lives by those perceptions and it is very hard to change the perceptions after that age. So but we should be humble enough to learn new things at every stage of our life and that's how we can change our perceptions. Next is hyped hunger and pain. This is also very important. Hyped hunger and pain, it is all about advertisement. How a thing is advertised, जितना ज़्यादा market में, especially there are departments, education departments even, which teaches us how to advertise things so nicely, market things so nicely, so that even though the user does not want it, even though customer does not have a requirement for that object, still आप एक requirement create कर दो कि वो उसको लेना ही पड़ेगा वो चीज़. So this is all marketing strategies which make a customer or a person to crave for something जिसके बारे में कभी उसने सोचा भी नहीं था. Right? So this is advertisement and nowadays it is very much prominent in the society. Advertisement in the form of even जैसे घर पे आपने देखा होगा कि parents बताने लगते हैं कि see उनका बच्चा देखो कितना intelligent है, वो कहाँ पर पहुंच गया, see उनका वो देखो वो क्या कर रहा है, देखो वो क्या कर रहा है, देखो वो क्या कर रहा है. This is advertisement. They are advertising so much. They are advertising the, you can say, the positions of engineer, for CA, for this, that, they're advertising and they want to tell there is nothing more than this in your life. If you want to achieve something, you should have one of these. And if you don't have, you are nothing. This is how the things are advertised. So we should be careful to not get influenced by these advertisements. We should, just as a matter of duty, we should do the task assigned to us as a student or as a some working person, but we should not get influenced by advertisements. And another, like if a narrate a small story regarding this, ek bar ek bachcha hota hai class mein baitha hota hai, Mohit naam hai suppose uska. So uske jo piche jo bachcha baitha tha usko bolta hai ki Mohit, Mohit, see there is a ghost behind you. So Mohit piche dekhta hai, are kahan hai, to usko kuch nahi dikhta, to usko bolta hai are mazak kar rahe ho mere sath aap, to fir ऐसे इग्नोर कर देता है. फिर आगे रूम से जब बाहर आता क्लासरूम से, अगेन वन अनदर फ्रेंड ऑफ मोहित कम्स टू हिम एंड सेज, हे मोहित, देयर इज अ गोस्ट बिहाइंड यू, सी बी केयरफुल. सो मोहित जो बोलता है, कहाँ है कहाँ है, बट थोड़ा सा वो वापस देखता है कि मजाक कर रहा है मेरे साथ. लेकिन ऐसे ही करते करते 10 फ्रेंड्स अगर मोहित के, अगर उसको सेम चीज बताते हैं, देयर इज अ गोस्ट बिहाइंड यू, देयर इज अ गोस्ट बिहाइंड यू, व्हाट हैपेंस? Now when in the night, when Mohit is sleeping at night, 2 o'clock, suddenly थोड़ा जगता है वो, तो देखता है थोड़ी खिड़कियाँ, आवाज़, हवा चल रही है, पर्दे हिल रहे हैं, तो उसको क्या क्या करने लगेगा, वो कोरिलेट करने लगेगा कि दिन में कोई, बहुत सारे दोस्त मुझे बोले थे कि शायद कहीं भूत है कहीं, और अभी हवा भी चल रही थोड़ा सा, ऐसा भी हो, तो देन ही विल स्टार्ट बिलीविंग इन दिस फैक्ट दैट मे बी देर इज अ गोस्ट. दिस इज एडवर्टाइजमेंट. इवन दो दस द ऑब्जेक्ट, और यू कैन से उतना इम्पोर्टेंस ना भी हो उस ऑब्जेक्ट का, लेकिन उसको इस तरह से एडवर्टाइज किया जाएगा कि आपको लगेगा वो हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो वी शुड बी वेरी मच केयरफुल कि हमारे हैप्पीनेस जो है उसमें बहुत सारा पार्ट क्या होता है, एडवर्टाइज्ड हैप्पीनेस. जैसे दोस्त लोग बोलेंगे कई बार, अरे तुम वहाँ नहीं गए, या फिर आई रिमेंबर इन माई कॉलेज लाइफ द अदर स्टूडेंट दे यूज टू से, आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप भी स्मोक नहीं करेंगे तो आप कॉलेज स्टूडेंट कैसे कहलाएंगे? कॉलेज स्टूडेंट मींस स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग मस्ट. सो दिस इज हाउ दे विल एडवर्टाइज. हाँ, यस, आई विल आल्सो थिंक, हाँ, कॉलेज स्टूडेंट मींस ही शुड एंगेज इन ऑल दिस थिंग्स, बट दैट्स नॉट ट्रू. सो दिस इज हाउ कॉलेज देयर इट वॉज एडवर्टाइज. सो अ पर्सन हु इज इनोसेंट, हु डजंट नो मच,
who does not have much self-control, he can easily get captured or become victimized by all these things. So we should understand, we should have that knowledge of self-control, and which I'll talk to later on, that usse hum bach sakte hain in advertisements se. So, and then second thing is hyped hunger. Hunger means what? बचपन से सपोज एक बच्चे को बोल दिया गया कि 5 साल का जब वो था उसको कहा सी एक स्वीट होती है वाइट वाइट कलर की गोल गोल और उसको रसगुल्ला बोलते हैं और वो बहुत टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है, इतना मज़ा आ जाता है उसमें. तो बच्चा बोलेगा हाँ तो खिलाओ, तो बोला नहीं है नहीं मेरे पास. नाउ सपोज दैट दिस स्मॉल बॉय कैन नॉट अफोर्ड टू बाय रसगुल्ला ऑल्सो. तो क्या होता है, वो बच्चा डेली स्वीट शॉप के बाहर से निकलता जाता रहता है, देखता रहता है स्वीट शॉप रसगुल्ले की दुकान, देखता रहता है जाता रहता है, लेकिन उसको कभी मिल नहीं पाता, खा नहीं पाता वो. तो एवरी डे ही इज़ डेवलपिंग हंगर, मोर हंगर, मोर हंगर, मोर हंगर, मोर हंगर. एंड करते करते सपोज 20 ईयर्स ही पास्ट, एंड आफ्टर 20 ईयर्स ही कुड अफोर्ड नाउ टू बाय, एंड नाउ वेन ही गोज टू द शॉप, नाउ वेन ही टेक्स द रसगुल्ला एंड टेक्स फर्स्ट बाइट ऑफ इट, ही विल बी फीलिंग इमेंसली हैप्पी. He'll be immensely happy. Now, rasgulla is not so tasty. It's very much ordinary, है ना? बहुत सारे लोग खा रहे हैं इसको, everyday खा रहे हैं, but they are not feeling so happy about it. But this person, because he has developed a long hunger for that object. इसी तरह से हमारे life में बहुत सारी चीजें जिसके लिए हम, क्योंकि hunger मिला नहीं, मिला नहीं, मिला नहीं, मिला नहीं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद बहुत pleasurable है. लेकिन वो object pleasurable नहीं था. हम वेट कर रहे हैं कब हम कुल्लू मनाली घूमने जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब, बचपन से वेट कर रहे हैं, बचपन से वेट कर रहे हैं. जब हम गए वहां पर तो ऐसा लग रहा है कि हम हेवन में हैं. नो बाबा, आप हेवन में नहीं है, वहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं डेली और वो भी सफर कर रहे हैं. सो दे आर ऑल्सो डिस्टर्ब्ड. सो इट इज ओनली बिकॉज यू हैव कम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग हंगर, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग कि ये बहुत हैप्पीनेस वाली चीज है. सो दिस हैप्पीनेस इज कॉल्ड एडवर्टाइज्ड हैप्पीनेस. सो finally, to conclude all the factors of happiness, or it can also taken for distress also. So brought together, sense and sense object, pleasure of whimsical free will, desire, false identity, perception, hyped hunger and pain to achieve. तो इसमें most of the portion जो है 90% of the portion वो क्या है, hype किया हुआ है, advertise किया हुआ है. तो हमें इसलिए ये जो happiness है जो material way में हमें अलग अलग object के form में मिलती है, ये कभी भी permanently जो है ये टिकती नहीं है. एंड देयर कम्स दिस ग्राफ, जहाँ पे क्या होता है, कोई भी ये जो मेटीरियल हैप्पीनेस होती है, बचपन में आपने टॉयज के लिए आप इतना पागल हुए, मम्मी मुझे वही चाहिए, उसके अंदर इतने टायर होने चाहिए, उसके अंदर या वो वाली गन चाहिए चाहिए, वी वर मैड आफ्टर दोज थिंग्स, राइट? बट देयर केम ए टाइम वेन द इंटरेस्ट वेंट डाउन. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइफ के जैसे जैसे स्टेजेस जाते हैं अलग अलग, ये जो चीजें हैं जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जिनके लिए हम भागते रहते हैं अलग अलग टाइम पे, वो हम कभी भी परमानेंट टेस्ट उनके लिए डेवलप नहीं कर पाएंगे. एट वन पॉइंट ऑफ और अदर टाइम विल अगेन लूज द टेस्ट. सो ये आएगा जाएगा, आएगा जाएगा. क्यों आएगा जाएगा? क्योंकि ओरिजिनली उसमें इतना हैप्पीनेस नहीं था. जब उस पर्सन ने रसगुल्ला खाया 20 साल बाद, उसको लगा कि पता नहीं क्या मिल गया उसको, लेकिन वो 5 दिन लगातार खाएगा, उसको अकल आ जाएगी, ये कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था. इट इज सिंपली एन ऑर्डिनरी थिंग. So, वो जो चीज है diminishing return, then it will again come down. So, we'll watch a small video, tottering happiness, कि किस तरह से जो ये happiness होती है, material happiness, ये बार बार हम अलग अलग. Yes, success? नहीं, कुछ नहीं प्रभु जी. Should I continue? हाँ हाँ प्रभु जी. बिल्कुल. okay. बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लिटरली मैं हर चीज रिलेट कर पा रहा हूँ. ओके, सो द टॉटरिंग हैप्पीनेस मतलब अलग अलग टाइम पे हमारे लाइफ में हम अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, बट अगेन अगेन सेम द ग्राफ कम्स डाउन एंड वी ट्राई समथिंग एल्स, देन अगेन कम्स. सो वी विल वॉच अ इंटरेस्टिंग वीडियो, दो इट्स अ ह्यूमरस वीडियो, सो हम इसको थोड़ा एंजॉय भी करेंगे एंड देन वी विल लर्न सम टीचिंग्स ऑल्सो. Thank you.
So we can nicely learn from this video that how various ways we try or attempt to gain the happiness, but all our attempts, because they were mostly hyped, so we don't get the proper things. So we have to understand what exactly is happiness and how to get it. It's not only about the hyped environment outside. So I'll read from a small article which was published, and they have done a study, and then they say, while enjoying a higher standard of living and a high degree of material and physical comfort and conveniences, the industrialized and wealthy countries are suffering from a great number of social problems to the extent that the majority of their people are not really happy. You see, it is about, they are speaking about the developed countries, even US and all that, because of the social problems, because human being is a social being, and human requires to understand the intricacies of dealings with other humans, self-management, all these things has to be understood. Otherwise, they'll all end up in frustration. And that's why they say majority of their people are not truly happy. Another interesting video I'll play here is, all of us, we have seen this, ki kaise jaise hi hamare life mein Friday aata hai, to hum wait kar rahe hote hain, kab Friday aayega taki chutti milegi. And then Monday aayega to hum wapas dukhi ho jate hain. Even though we have achieved our desired position, main jo banna chahta tha main wo ban gaya, wahan par bhi mere sath same problem hai. Monday versus Friday. हम वही वेट करते रहते हैं. लेट अस वॉच दिस वीडियो. So we can see that how it is, everyone is suffering from that problem, that they are not happy even though they have achieved the position which we may be aspiring today. We may be aspiring to become somebody IES, somebody wants to become IES, somebody, right? I recently had a conversation with one of the students I'm in touch with. He's an IES now in Gujarat. So he was telling me, कि IAS बनने के पहले उसका अलग तरह का चैलेंजेस था. अभी वो जो चैलेंजेस मुझे बता रहा था, यू विल ऑल्सो बी सरप्राइज टू नो ऑल दिस थिंग्स. ही वॉज टेलिंग कि अब मेरी पोजिशन ऐसी है कि मेरे साथ अभी बात करने के लिए कोई नहीं, मैं अकेला हूँ. एंड बिकॉज आई डोंट बी लाइक अ बॉस एंड आई डोंट हैव एनी अदर पर्सन, मतलब मेरे लेवल का जिससे मैं बात करूँ, नहीं तो वो लोग, उनसे बात करूँगा तो उनसे फैमिलियर हो जाऊँगा तो वो लोग फिर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. सो सच थिंग्स आर, एवरीवन इज इन कॉम्प्लिकेसेस. Everybody is suffering and he is telling that ki mujhe loneliness ka stress aa raha hai. So you can see, we may desire to achieve some positions. We are not telling ki aapko hard work nahi karna hai, aapko achieve nahi karna hai. Yes, you should work hard, you should achieve positions, but please understand that material objects, material positions, situations, they are not going to bring happiness in our life. It is we who will be happy even at the present time, irrespective of whether we have these objects or not, whether we have these objects, situations or not. कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास अभी क्या है क्या नहीं है, ये सब मैटर नहीं करता कि अभी हम खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे, है ना. सो दिस इज टू बी अंडरस्टूड वेरी वेल. नाउ अ वेरी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आई वांट टू गिव यू हियर कि कैसे हम हमारे जो परसेप्शन है वो कैसे बनते हैं. और एक ह्यूमन नेचुरल बिहेवियर होता है हर पर्सन का, एंड जो कि रिकॉन्फिगर होता है अलग अलग, जो हमने पहले भी बताया था कि किस तरह से टीचर, सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली, बुक्स, मीडिया, ये सब जो चीज़ें हम जिनसे भी इन्फ्लुएंस होते हैं पूरा, इसके अकॉर्डिंग हम पूरा क्या हो जाते हैं, रिकॉन्फिगर हो जाते हैं, एंड देन वी रिस्पॉन्ड डिफरेंटली.
सेम पर्सन जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग था बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस बाय सो मेनी दीज थिंग्स ही स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग इन सम अदर वे. एंड ये हमारा परसेप्शन एंड फॉल्स आइडेंटिटीज जो हमने आपको बताया था, हमारी जो आइडेंटिटीज है, मैं कौन से स्टेट से हूँ, मैं कौन से रिलीजन से हूँ, कौन से एज ग्रुप से और कौन से एजुकेशन, सो ये सब फॉल्स आइडेंटिटीज परसेप्शन से कहाँ से बिल्डअप होता है, हमारी एसोसिएशन से. सो एसोसिएशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बिल्डिंग अवर परसेप्शन एंड फॉल्स आइडेंटिटीज. सो वी शुड वेरी वाइजली चूज आवर एसोसिएशन. नाउ आई विल ब्रीफ अबाउट वॉट वी सेल्फ आर. जैसे हमने समझा कि हम एक ह्यूमन बींग हैं एट द रूट, बाकी और ऊपर से फिर हम अलग अलग आइडेंटिटीज ले सकते हैं, लेकिन इससे भी रूट एक आइडेंटिटी और है ह्यूमन बींग से भी, क्योंकि हम देखते हैं इस नेचर के अंदर एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, राइट, सो मेनी अदर स्पीसीज आर ऑल्सो देयर. सो डाउन टू दैट ऑल्सो देर इज अनदर रूट आइडेंटिटी दैट इज नोन एज सोल. एंड सोल इज द मोस्ट रूट आइडेंटिटी यू कैन से ऑफ एन इंडिविजुअल. एंड अबव दैट अ पर्सन सोल मे बी हैविंग अ बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बींग और मे बी अ बॉडी ऑफ एन एनिमल or maybe a body of some birds or whatever. So the soul has these four, is proprietor of these four things: senses, mind, intelligence and ego. Agar hum isko brief mein samjhein, senses matlab hamare jo jinse hum actions karte hain ya jinse hum knowledge receive karte hain, aankh, kaan, naak, muh, ye sab, and hands, legs and all that. So ye hamare jo senses hain, inke above hai mind. Mind kya karta hai? Mind ka kaam hai आइडियाज देना, नए नए आइडियाज देना. इट इज कॉल्ड एज थॉट फैक्ट्री. थॉट फैक्ट्री, और ये ऐसे ऐसे आइडियाज देगा जिनका कोई लिंक ही नहीं है. कभी कभी तो ऐसे ऐसे आइडियाज देगा आपको, पहाड़ पे चढ़ जाओ, वहां से कूद जाओ पहाड़ पे, उस पहाड़ को गोल्डन पहाड़ बना दो, समथिंग, सम क्रेजी आइडियाज इट विल गिव यू समटाइम्स, राइट. सो दिस माइंड इज क्रेजी क्रेजी एंड इट विल गिव यू सो मेनी आइडियाज. इसके पास कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसके पास क्या गलत है क्या सही है, सिंपली टू गिव आइडियाज और फिर उस आइडिया को चूज करना. और जब वो आपने आइडिया चूज कर लिया तो फिर बोलना नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, दूसरा ऑप्शन ट्राई करो. सो टू डिसाइड एंड टू गिव ऑप्शंस, टू डिसाइड गिव ऑप्शन, डिसाइड गिव ऑप्शंस, दिस इज व्हाट द वर्क ऑफ माइंड इज. आपने डिसाइड किया, अच्छा मुझे इंजीनियरिंग करना है, सीए करना है, मुझे ये बनना है, क्या करना है, ये ऑप्शंस दिए माइंड ने. आपने डिसाइड किया चलो मुझे सीए बनना है, जब पढ़ना स्टार्ट किया तो क्या बोला माइंड, अरे यार इंजीनियरिंग भी तो कर सकते थे, वो भी तो कर सकते थे, ये भी तो कर सकते थे. लाइक दैट इट विल गिव यू वेरियस ऑप्शंस, वंस इट विल मेक यू डिसाइड देन ऑप्शंस एंड देन, मतलब कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ेगा ये थॉट फैक्ट्री, मतलब कंटिन्यूसली थॉट्स विल बी जनरेटिंग. नाउ अबव माइंड इज इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस इज डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर ऑफ द सोल. ये क्या करता है, जो माइंड ने आइडिया दिया उसको एनालाइज करता है कि वो कितना सही है, करना सही है या करना नहीं चाहिए. कल एग्जाम है, माइंड ने आइडिया दिया, व्हाई डोंट यू ट्राई ए मूवी, राइट. सो माइंड विल गिव यू सच क्रेजी आइडियाज, माइंड इज लाइक दैट ओनली. बट द इंटेलिजेंस, इफ इट इज प्रॉपरली ट्रेन्ड, तो इंटेलिजेंस क्या बोलेगा, नो सी टुमारो इज एग्जाम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट have this movie for now, please wait, after exam you can watch. This is called intelligence. So intelligence, if it is properly trained, and intelligence bhi kahan se aata hai, jitna hamara association hua hai, jaisa association hua waisa intelligence humne develop kiya hai, aur us intelligence ke basis pe hum mind ko rok sakte hain, curb kar sakte hain. And above intelligence is ego. Ego, sometimes what happens ki mind bhi kehta hai ki ye cheez karna chahiye, इंटेलिजेंस भी कहता है कि ये चीज करना चाहिए, लेकिन फिर भी ईगो रोक देता है. कैन यू सम एग्जांपल्स, सपोज आप कॉलेज के डायरेक्टर हैं, आप रोड पर निकल रहे हैं, आपने सामने देखा कि कॉलेज वहां रोड पर कुछ गंदगी पड़ी हुई है, माइंड बोल रहा है लेट अस क्लीन दिस. माइंड कुछ ये डिसाइड करके नहीं बोलेगा कि सही है गलत है, जस्ट आइडिया देगा बस चलो साफ करते हैं. हालांकि साफ करते टाइम वो ऑप्शन दे सकता है, यही क्यों, दूसरा कुछ कर सकते थे, बट एटलीस्ट माइंड विल गिव आइडिया कि चलो इसको थोड़ा साफ करते हैं. माइंड ने आइडिया दिया, इंटेलिजेंस ने बोला हाँ यस इट इज अ गुड थिंग टू कीप द कैंपस क्लीन, तो हमें करना चाहिए. सो इंटेलिजेंस ने भी आइडिया दिया. देन ईगो सेड हे यू आर डायरेक्टर, हाउ कैन यू एंगेज इन दिस एक्टिविटी, यू आर नॉट सपोज टू एंगेज इन सच एक्टिविटी. दिस इज हाउ ईगो स्टॉप्स अस.
You understood how mind, intelligence and ego works. And now all these things above ego is we ourselves are, we soul. We are above these four things. So if the soul is properly situated, I'll explain the methods also. If the soul is properly situated, then everything will be very much fine, going in line. Mind will be controlled. It is said in some places in literatures that the controlled mind is our best friend. Controlled mind is our best friend, but uncontrolled mind is our worst enemy. Uncontrolled mind is our worst enemy. So we have to always keep our mind controlled. Mind is like a crazy monkey. आपने देखा होगा मंकी पागलों की तरह इधर से उधर गया, ये किया वो किया. बट इफ मंकी इज ट्रेन्ड अंडर सम, कोई होते हैं ना वो ट्रेन करके रखते हैं उनको मंकी को, तो अगर वो ट्रेन्ड है मंकी, और इवन टाइगर को भी आप ट्रेन कर सकते हैं. इफ इट इज ट्रेन्ड देन इट इज योर बेस्ट फ्रेंड. सो सिमिलरली माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड इफ इट इज कंट्रोल्ड एंड ट्रेन्ड. इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड देन इट इज योर वर्स्ट एनिमी. इट कैन टेक यू, आप ऐसा ऐसा कुछ एक्शंस कर सकते हैं विच यू मे नॉट willing to do, right? So this is how mind works. I'll give you an analogy from Bhagavad Gita. Explains a very very wonderful analogy what I explained about senses, mind and intelligence. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे horses हैं, ये represent कर रहे हैं senses को. Let me make it bigger. So the senses are these horses, and the reins जिनसे वो खींच रहे हैं, that is called mind, and then next is intelligence, and the person sitting on the chariot is the soul. So this is how these they are functioning in our mind body system. Now I want to give you a practical example जहाँ पर हम हमारी ईगो को भी क्या कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि डायरेक्टर का, कि वो ईगो, उसका ईगो ने रोक लिया उसको. माइंड इंटेलिजेंस ने बोला लेकिन ईगो ने रोक लिया, क्योंकि उस ईगो में आप बोल सकते हैं उस डायरेक्टर की आइडेंटिटी में बहुत ज़्यादा थिकली इन्वॉल्व था. लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल है जहां पर लोग डायरेक्टर की आइडेंटिटी से ज्यादा अपने बीइंग ए ह्यूमन आइडेंटिटी को ज्यादा प्रिफर करते हैं. एंड सच पीपल वी मे कॉल देम दैट दे आर इन रियल ईगो. रियल ईगो इज दैट आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई एम ए डायरेक्टर. इफ दिस इज थिकली एसोसिएटेड विद सम पर्सन देन यू कैन से दैट इज ए फॉल्स ईगो. So the real ego, I have taken some clip from an incidence of a Dutch prime minister, how he acted in a scenario there. We will watch a video, a small video. All right. So this video explains that how he preferred to have his human being identity more than the identity of being a minister, prime minister there. So you can see, and how to now bring these changes in our life. We have to bring a whole paradigm shift, and how that is possible. I'll suggest two methods here. First is reading the literatures which are describing the absolute science
and the relation about our relation with the Lord God, and then how this nature functions, how human form of life is different from animal form of life, how we have to be more responsible in human form of life. All these things will bring a more meaning to our life. You may read any literature, Bhagavad Gita, Quran, Bible, whatever you want, you can read, but you should read them so that they will bring a higher meaning to your life. And second thing I'll propose here is following processes of self-realization. Usme aap, like we chant Hare Krishna mantra, we do sound meditation, which is very much verified in various, it has been researched in various universities and proved to be a process of bringing down our stress and anxiety. And kaise sari jo problems hum face karte hain hamare body mind system mein, wo sab kuch reduce ho sakta hai. So I'll propose these two solutions. All of us can try. And at the end of this session, we'll have a little glimpse of also of this also. And now I want to quote some of the brilliant scientists or some of those intellectuals, those who appreciate the knowledge of these Vedic literatures. Here is Alfred North Whitehead, British mathematician. He says, "The vastest knowledge of today cannot transcend the buddhi of the rishis in ancient India, and science in its most advanced stage now is closer to Vedanta than ever before." So the Vedic literatures, they are proposing something very much, you can say, important for living a human life, how to lead a human form of life. So all these things, so we should take advantage of it. Next quote I'll read from Professor Max Muller. He says, "In the history of the world, the Vedas fill a gap which no literary work in any other language could fill. I maintain that to everybody who cares for himself." So it is not about some sectarian and all these things. Ki hum sabhi log jo hain inka fayda utha sakte hain literatures ka. It is not about only the people who are taken birth in India, they can take advantage. No, nothing like that. You can see here the Professor Max Muller, he is not from India, but they are appreciating. Here is another Henry David Thoreau, American philosopher. He says, "In the morning I bathe my intellect in the cosmogonal philosophy of the Bhagavad Gita, in comparison with which our modern world and its literature seems puny." You see, this is how itna importance wo literatures ko de rahe hain. So agar hum ye daily hamare lifestyle mein agar dal lein ye sab cheezon ko, to hamari jo false identity hai, hamare jo intelligence mind hai, wo purify hoga, and because of that we'll be able to have more control over the things. क्योंकि केवल और केवल हम थ्योरेटिकली फिलोसॉफिकली कुछ बात करके हम हमारे लाइफ में चेंज नहीं ला सकते. प्लीज़ अंडरस्टैंड कि केवल और केवल हम वर्ड्स सुन के हम अपन हमारे लाइफ में चेंज नहीं ला सकते. समथिंग वी हैव टू डू प्रैक्टिकली, एंड जब हम करना स्टार्ट करेंगे देन वी विल सी ए बिग डिफरेंस इन आवर लाइफ. सो जनरली पीपल आई गिव दिस लास्ट थिंग, एंड क्योंकि ये मैंने अभी ऐड किया था, क्योंकि कुछ बच्चों का जैसे जनरली था कि आजकल कंपैरिजन का और बाहर बहुत सारा जो चल रहा है न्यूज़ वगैरह, सो उससे बहुत डिस्टर्बेंस होना रहा सब. सो आई जस्ट इंक्लूडेड दिस वन स्लाइड आफ्टर दिस कि ये सब बताने के लिए. वी शुड अंडरस्टैंड देयर आर टू थिंग्स, वन इज सर्कल ऑफ कंसर्न, अनदर इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो है जहाँ पर चीज़ें हमारे कंट्रोल में हम कुछ कर सकते हैं वहाँ पे. एंड सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिंपली बस हम उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं या उनके बारे में जान रहे हैं, उनके बारे में सोच सोच कर हम परेशान हो रहे हैं. सपोज मैं भी सोचूं कि सो दिस पैंडेमिक हैज़ ब्रॉट सो मच सफरिंग, उस कंट्री में ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया. सो डू आई हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट? कैन आई चेंज दैट? आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर ऑल द नेशंस, वहाँ पर कैसे होना है, क्या होना है, नहीं. सो दैट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ कंसर्न, बट आई कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. बट द नेक्स्ट थिंग इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जहां पर मैं कुछ कर सकता हूँ, और वो क्या है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस? मैं मेरे एरिया में जहां मैं रहता हूँ, वहां पर जब मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं मास्क यूज करूँ, मैं जब लोगों से मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करूँ, ऑल दिस थिंग्स विच आई कैन डू एंड विच दे आर लाइक अंडर माई कंट्रोल, मैं वो चीजें कर सकता हूँ, दैट इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. सो वी शुड बी मोर कंसर्नड अबाउट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ना कि हम सर्कल ऑफ कंसर्न बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे, वहां पर ये चल रहा है, वहां पर ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है. उससे क्या होता है, हमारा सिंपली हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, बस और कुछ नहीं है. क्योंकि हम कुछ कर भी नहीं पाते, हम सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं. हमारे कंट्रोल में जो है, हमारे हम जो कर सकते हैं, हमें उस पर ज्यादा फोकस्ड रहना चाहिए. देखो वो वहां पहुंच गया, वो ये कर लिया, वो ये कर लिया, वो कर लिया जो कर लिया,
आप क्या कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में क्या है? आपके पास एक बुक रखी है, ये आपको पढ़ना है, ये इतना टाइम है, आप पढ़िए, दैट्स ऑल. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, दिस इज वॉट यू कैन डू. जस्ट इंगेज इन वॉट यू कैन डू, डोंट टॉक अबाउट ऑल दैट वॉट इज गोइंग इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे. आप सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया बन जाएंगे तो भी आप सोचेंगे व्हाई नॉट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, है ना? तो आप हमेशा उसमें वो रहेंगे फिर. सो बेटर टू बी विद अवर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, लाइक माइंड योर ऑन बिजनेस, वन वर्ड ही कैन से हियर. सो दिस इज हाउ वी कैन लिव अवर लाइफ. आई विल एंड हियर नाउ. इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, अक्सांस आई थिंक यू विल टेक अप क्वेश्चंस. प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, इतना अच्छा लगा. मतलब एक एक चीज में रिलेट कर पा रहा था, स्पेशली जो आपने वीडियोस दिखाए और अपने स्टेट ऑफ माइंड की बात कही, हैप्पीनेस की बात कही. लिटरली फील करते हैं हम कि कोई चीज, जैसे बच्चे सीए कर रहे हैं, बच्चे आईआईटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर जब तक उन चीज नहीं मिलती है ना, तो दे आर लाइक रनिंग लाइक मैड पर्सन. मतलब हम एक पागलों की तरह, समझ भी नहीं आ रहा हमें कि अल्टीमेटली ये चीज हमें कुछ बेनिफिट देने वाली है या नहीं देने वाली, बट एक जिद होती है. और एक एक चीज, मतलब ऐसा था कि आप सिर्फ मेरे लिए बोल रहे हैं और शायद जितने भी व्यूअर्स हैं वो यही सोच रहे होंगे कि ये उन्हीं के लिए बात चल रही है. प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि स्टेट ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. स्पेशली हमारे दिमाग में टेंशन या दूसरों से कंपैरिजन, कि दूसरे ने इतना कर लिया, मैंने तो इतना ही करा, फैमिली रिलेटिव वगैरह सब कंपैरिजन करते हैं. तो इस माइंड को कंट्रोल में रखने के लिए, या माइंड को, सबसे अच्छी चीज ये होती है कि माइंड अगर सेटिस्फाइड है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है. तो आपने जो दो सॉल्यूशंस बताए, भगवत गीता एंड चैंटिंग, सो विल दैट बी सफिशिएंट कि अगर हम ये करते हैं तो मतलब एक स्टेट ऑफ पीसफुल माइंड की पोजीशन में हम पहुंच जाएंगे, सेंस ऑफ हैप्पीनेस भी हमें मिलेगी. सो विल दैट बी सफिशिएंट? ओके. सो पहली बात तो ये जो मैंने जो दो प्रोसेस दिए हैं, ये भी हालांकि आसान नहीं है प्रैक्टिस करना, क्योंकि हम एवरीडे, हमारे सामने आज डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारी चीजें हैं. मोबाइल है, फेसबुक है, टीवी है, ये न्यूज़ चैनल है, वो है, ये है, बहुत सारी चीज़ें. सो वी आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड कि इवन सिंपल प्रोसेसेस को भी प्रैक्टिस करना आजकल की लाइफ में, ऐसा आजकल ऐसा कहते हैं कि आजकल सिंपल लाइफ जीना ज़्यादा टफ हो गया है. सिंपल लाइफ जीना, सिंपल लाइफ मीन्स यू आर नॉट मच वरीड अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. यू आर जस्ट लीडिंग योर लाइफ, डूइंग योर ड्यूटीज़, है ना? सो अगर हम सोचें कि ये जो दो चीज़ जो मैंने आपको बताया इनको करना है, अगर इनको करने के लिए भी वी रिक्वायर टू बी इन अ गुड एसोसिएशन विच विल गिव अस द स्ट्रेंथ टू गो ऑन एवरी डे. क्योंकि एवरी डे प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं कि एक दिन आपने करके कर लिया और वो हो गया काम. नो, कोई भी चीज़ को चेंज होने में, जैसे हमने अपने आप को स्पॉइल करने में कितने साल लगाए हैं. मेरे टुडे वी आर सपोज 25 और 26, 25 ईयर्स में हमने अपने आप को आज इस स्टेज पे लाए हैं जहाँ पर हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड है. एंड नाउ आफ्टर रीडिंग दीज टू बुक्स एंड दिस, वी थिंक दैट ओवरनाइट आई शुड हैव अ चेंज. नो, वील हैव टू हैव पेशेंस ऑल्सो एंड हैव टू बी अंडर द कॉन्स्टेंट गाइडेंस ऑफ समवन, एंड देन ही कीप्स ऑन गाइडिंग इन गुड एसोसिएशन, एंड देन वी कैन ग्रेजुअली कम आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. So one more thing, if I have to add here in these two things, is which is very important, although I mentioned already, association. So you have to associate regularly. It is not an overnight job that you can bring complete transformation in your personality. You'll have to regularly change, because आपने जितने साल चेंज करने में लगाए, अपने आप को स्पॉइल करने में लगाए हैं, एटलीस्ट आपको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा अपने आप को ठीक करने के लिए भी, है ना? सो एसोसिएशन इज अनदर फैक्टर विच आई कैन इंक्लूड हियर अपार्ट फ्रॉम दोज टू, एंड देन श्योरली श्योरली वन पर्सन विल बी पीसफुल एंड ही विल बी हैप्पी इन हिज लाइफ. एंड सेकेंड थिंग, सॉरी आई मेंशन दिस वर्ड पीसफुल, स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अबाउट पीसफुल. समटाइम्स वी थिंक कि पीसफुल होना मतलब स्पिरिचुअल लाइफ. नो, if you see the position of Arjun in the warfare there in battlefield of Kurukshetra, Arjun was not peaceful in that sense. He was fighting there, isn't it? So much anxiety should be there. Jab fight ho rahi hai to idhar ye aa raha, idhar ye aa raha, so much anxiety should be there. So spiritual life is not about peaceful. Spiritual life is about how to handle all those things, even disturbances, even happiness, disturbance, whatever it may come to us, everything we can handle nicely. So this is what is a spiritual life.
स्पिरिचुअल लाइफ मतलब इफ आई इफ आई इफ आई हैव टू मेंशन वन वर्स फ्रॉम भगवद गीता इट इज मेंशन देयर दुखेशु अनुद्विग्न मनः दुखेशु मीन्स दुख के अंदर अनुद्विग्न मनः मन जो क्या नहीं होता अनुद्विग्न मतलब उत्तेजित नहीं होता एंड सुखेशु विगत स्प्रहा सुखेशु मतलब हैप्पीनेस के अंदर बहुत ज्यादा वो पागल नहीं हो जाता दोनों ही सिचुएशन ठीक नहीं है हैप्पीनेस के अंदर बहुत ज्यादा हाइप हो जाना भी ठीक नहीं है और दुख में बहुत ज्यादा नीचे चले जाना भी ठीक नहीं है वन हैज टू बी बैलेंस्ड सो दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत ज्वरः वीतराग भय क्रोधः वीतराग भय क्रोध मीन्स फ्री फ्रॉम राग मीन्स अटैचमेंट भय मीन्स फियर एंड एंगर क्रोध मीन्स एंगर स्थित प्रज्ञा मुनिरुच्यते सच ए पर्सन इज नॉन टू बी अ पर्सन ऑफ स्थित प्रज्ञा मीन्स प्यूरिफाइड इंटेलिजेंस मतलब उसका नॉलेज प्रॉपरली सिचुएटेड है जो पर्सन दुख और सुख दोनों में ही डिस्टर्ब नहीं होता प्रॉपर रहता है उसे हम कहते हैं सो इवन दो आर लाइफ में भी मे नॉट बी पीसफुल हमारी लाइफ में बहुत सारी सफरिंग्स हो सकती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लेकिन फिर भी हम जानते हैं उनको कैसे हैंडल करना है और हमारी लाइफ को चलते रहना है सो दैट्स व्हाट द दीज स्पिरिचुअल टीचिंग्स द टीचर्स क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं लोगों के लेकिन जो भी सिमिलर क्वेश्चंस होंगे हम क्योंकि टाइम का बहुत शॉर्टेज है और आपने इतना टाइम दिया इतना गाइड किया ये बहुत है तो मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा स्पेशली मैंने 8-10 क्वेश्चन नोट करें जो मुझे लगा कि सिमिलर नेचर के काफी बच्चों की इससे क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी और फिर भी अगर कोई डाउट्स होंगे और तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपका एक और सेशन आगे लें बट एटलीस्ट मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो अभी बच्चों के माइंड में चल रहे हैं स्पेशली जो भी स्टूडेंट्स हैं चाहे वो कोई सी भी फील्ड का हो उन सबके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन हैं फर्स्ट क्वेश्चन ये है प्रभु जी जो अप्रॉक्सीमेटली 100-150 लोगों ने मुझे भेजा है हाउ टू डील विद फेलियर्स आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स क्योंकि स्पेशली सीए करते हैं या कोई भी कोर्स करते हैं तो सीए में तो स्पेशली बहुत होता है कि 90% बच्चे फेल ही होते हैं और बार बार अटेम्प्ट लगते हैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एक होता है कि हमारे माइंड में आ जाता है कि हम सोसाइटी की नज़र में इनफैक्ट हम रिलेटिव्स या शादियों में भी मुंह छुपाते हुए घूमते हैं या कोई ये ना पूछ ले कि कौन सा अटेम्प्ट चल रहा है या कब सीए कब बनोगे क्योंकि ये तो कब से करते आ रहे हो हम इस तरह के हमें कमेंट सुनने को मिलते हैं तो उस चीज़ से कैसे डील करें मतलब ये क्योंकि हर बच्चा जो सीए करता है वो ये होता है कि अपने स्कूल में वो टॉपर होता है लेकिन इस स्टेज में आके उसको एक सेंस ऑफ ऐसा लगता है कि हम मैं बहुत पिछड़ गया हूँ या मैं बहुत मतलब दूसरों से वो इनफीरियर फील होता है तो इस चीज से कैसे डील करें सो हालांकि हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां बताया जाता है कि इवन लाइक अब्राहम लिंकन ही फेल्ड सो मेनी टाइम्स ईयर आफ्टर ईयर ही फेल्ड अगेन एंड अगेन ही फेल्ड इफ आई रिमेंबर एग्जैक्टली एटलीस्ट आई हैव सम लिस्ट ऑफ इंसिडेंट्स वेयर ही फेल्ड इज अबाउट लाइक 20 इंसिडेंट्स ही फेल्ड देयर एंड देन After that, he came out successful. Similarly, one more athlete, he says, कि जितने failure हुए, failure से मैं सीख पाया. और जितने failure हुए, suppose उसने 1000 failure किए, तो बताते हैं कि मुझे 1000 वो तरीके पता हैं, जहाँ पर आदमी, मैं अगर goal करूँगा, actually वो, I think, one game is there. Yeah, football, है? football. हाँ, maybe. तो वो बता रहे हैं कि मैं अगर मुझे 1000 वो तरीके पता हैं जिनमें अगर मैं गोल करूंगा तो गल्ती होगी तो अब मुझे वो गलती नहीं करनी है सो आई नो ऑल दोज वेज जहां पर गलती होती है सो यू बिकम मोर इंटेलिजेंट सो फेलियर जो होता है वो एक्चुअली हमें क्या करना है हमेशा फेलियर को हमें फेलियर की तरह नहीं रखना है वी शुड मेक फेलियर ए लर्निंग फॉर अस वी शुड मेक फेलियर ए लर्निंग ईदर विक्ट्री और लर्निंग दैट्स ऑल ईदर विक्ट्री और लर्निंग जस्ट गो ऑन विद इट ऐसा नहीं है कि एक पर्सन सब जगह 7-8 बार ट्राई किया हालांकि मैं भी सीए के उसमें नहीं जा सकता मैं जानता नहीं डिटेल्स एंड क्या सब चैलेंजेस रहते हैं बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर मानो 7-8 बार ट्राई किया फिर भी कुछ नहीं हुआ नो इश्यू यू आर ए पर्सन ऑफ मोर एक्सपीरियंस यू आर ए पर्सन ऑफ मोर मेच्योरिटी यू नो मोर थिंग्स सो दैट यू कैन गाइड अदर्स कि ये चीज नहीं करना है ना बिकॉज यू नो ऑल दोज वेज वेयर ए पर्सन कैन फेल सो यू कैन टीच बाय एक्सपीरियंस टू अदर्स एंड दोज एक्सपीरियंसेस मे बी हेल्पफुल फॉर समवन तो कभी भी हमें उस चीज से ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है सेकेंड चीज जो सोसाइटी में इम्पैक्ट जो आता है हमें दूसरे लोगों से दूसरे लोग क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं सी इन दिस सोसाइटी इवन यू बिकम सी ए और यू डोंट बिकम सी ए बोथ द सिचुएशंस पीपल आर देयर टू क्रिटिसाइज यू पीपल विल से
सीए क्यों बने हो, इंजीनियर क्यों नहीं बने? कोई बोलेगा बस इतने ही बने, इससे और आगे बनते। देयर आर सो मेनी वेज पीपल कैन कमेंट। एक बार क्या होता है कि एक गधा था और गधे के साथ में एक बाप बेटा जा रहे थे, पैदल पैदल चल रहे थे सब। तो लोगों ने देखा, बोले कि कितने बेवकूफ लोग हैं ये, साथ में गधा लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर बैठ के चल चल सकते हैं, ये लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे गधे को ये। तो वो बोले कि चलो ऊपर बैठ जाते हैं हम दोनों। तो दोनों बाप बेटे गधे के ऊपर बैठ गए ताकि उनका ओपिनियन को सेटिस्फाई करने के लिए, लोगों के ओपिनियन को। तो जब आगे चलने लगे तो कुछ लोग मिले, बोले कैसे बेवकूफ लोग हैं, दो दो लोग बैठे हैं गधे के ऊपर और बेचारे गधे की तो जान निकल गई होगी, मतलब कुछ शर्म ही नहीं है आजकल की दुनिया में, तो कोई दया ही नहीं है जानवरों पर। तो एक जना नीचे उतर गया, फिर पिताजी नीचे उतर गए, बेटा ऊपर बैठा हुआ था। थोड़ा आगे गए तो कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा कैसा बेटा है, नालायक बेटा, अपने पिताजी को तो पैदल चला रहा है, खुद गधे बैठ के सवारी करके चल रहा है। तो पिताजी ने सोचा अच्छा चलो ठीक है, मैं ऊपर बैठ जाता हूँ, बेटे को नीचे चला जाता हूँ। थोड़ा देर आगे गए, लोग बोले कैसे कैसा बाप है, अपने बेटे को जो है पैदल चला रहा है, खुद सवारी कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप ले लो, पीपल विल ऑलवेज कुछ कहेगी, सोसाइटी का सोसाइटी कुछ ना कुछ तो कमेंट करेगी करेगी, तो इग्नोर करो, मतलब इनको फुली इग्नोर करो। फर्स्ट इग्नोर, एंड इग्नोर करने के लिए आपके पास हायर नॉलेज भी होना चाहिए, आप ऐसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। वैसे भी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि सोसाइटी के अंदर प्रिविलेंट क्या है, ज्यादा प्रोमिनेंट चीज क्या है, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किस चीज का हुआ है सोसाइटी के अंदर, कि कोई अगर ये बन गया तो वो सक्सेसफुल आदमी है, अगर वो नहीं बना तो सक्सेसफुल नहीं है, वो गुड फॉर नथिंग। ये बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हो चुका है सोसाइटी के अंदर। लेकिन सेम सोसाइटी के अंदर आप अलग अलग टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, तो आप अगर आप जाएं 60-70 ईयर्स बैक अगर आप जाएं, तो जब आर्मी जब युद्ध होते थे बॉर्डर पे, तो वहां पर उनके पास आर्मी के पास लोग नहीं थे, जवान नहीं थे बहुत ज्यादा, तो वो क्या करते थे, गांव में जाते थे और लोगों को रिक्वेस्ट करते थे प्लीज ज्वाइन आर्मी, प्लीज ज्वाइन आर्मी, फ्री में हम डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए आप। दैट टाइम लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग था, नहीं 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 हमारा खेत इतना बढ़िया है, ये सब अच्छा है, वो सब बढ़िया है, तो लोगों ने नहीं गए उस टाइम। टुडे देयर इज अ कॉम्पिटिशन। आज एडवर्टाइजमेंट कैसा है, 60 साल पहले जो एडवर्टाइजमेंट था वो कैसा था? तो अलग अलग जैसा एडवर्टाइजमेंट सोसाइटी के अंदर रहेगा वैसा लोग सोचते रहेंगे, वैसा लोग बताते रहेंगे। जैसे आप, मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल आज के सोसाइटी में। जब गांव में खेती कर रहे हैं सपोज कुछ लोग किसान, और साथ में माँ बाप और बेटा और सब लोग फसल काट रहे हैं सपोज, तो थोड़ा धूप लग रही है, गर्मी आ रही, पसीना आ रहा है, तो वो अपने बेटे से बोल रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है प्रैक्टिकली। सो अपने बेटे से कहते हैं बेटा पढ़ लिख ले, ताकि नहीं तो देख हमारी तरह ये ऐसी तुम्हारी हालत होगी, पसीना आएगा, देखो धूप में काम करना पड़ेगा। अब हम दूसरा कॉन्ट्रास्ट लेते हैं, सिटी के अंदर जब कोई पर्सन जब रह रहा है, वो ऑफिस के अंदर, उनको लगता है गांव में क्या अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या है, सिटी के अंदर एसी में कोई बैठा है और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लाइफ जी रहा है, तो वो क्या है, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, ये एडवर्टाइजमेंट है कहाँ पर, गांव के अंदर। सिटी के अंदर आप जब कोई आदमी से मिलते हैं, हार्डली आफ्टर 40 or 45 द एज, व्हाट हैपेंस टू द पर्सन, ही बिकम्स मीन्स स्टोर हाउस ऑफ सो मेनी डिजीजेस, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बैठा है, उसको फ्रेश एयर नहीं मिल रहा है ना, उसने ज़्यादा एक्सरसाइज किया, बैठा ही बैठा उसके बॉन्स में, ये विटामिन कम है, वो विटामिन कम है, उसके ये बॉन्स में प्रॉब्लम है, कई कई डायबिटिक केसेस भी हो जाते हैं। अगर आप गांव में देखें, जैसे सपोज विटामिन डी, यहाँ उसको ऑफिस में विटामिन डी नहीं मिल रहा क्योंकि धूप नहीं आ रही, पूरे दिन वो धूप से एक्सपोज ही नहीं होता, वो गाँव में खुले में बढ़िया से धूप में एक्सपोज होकर बढ़िया वो काम कर रहे थे ना, वो ज़्यादा शुगर खा रहे थे सिंपल, यहाँ पर बैठे 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 खा गए बहुत सारा, कोई टाइम रेगुलेशन नहीं है खाने का सब कुछ, एंड वहाँ सिंपल, वहाँ पर वो लोग सिंपल खा रहे थे जिससे उनका हेल्थ भी मेंटेन है, बढ़िया खुश हैं, और यहाँ पर आदमी की एज जो है 50 तक आते आते तो ऐसी हालत हो गई कि भाई टेबलेट्स पे ही पूरा जिंदगी चलने लग गया, एंड देन मोस्ट ऑफ द पीपल इवन पास अवे। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें
तो गांव के अंदर वहां वो जो लोग लाइफ जी रहे हैं वो कोई ऐसा कमजोर लाइफ नहीं है. सो नेचुरल फूड दे आर गेटिंग, सो नेचुरल यू कैन से सनलाइट दे आर गेटिंग, बट इट इज ओनली सिंपली द एडवर्टाइजमेंट जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो इन्फीरियर लाइफ जी रहे हैं. ये कोई इन्फीरियर लाइफ नहीं है. आप अगर देखेंगे सिटी में, ये जो लॉज ऑफ नेचर है ना, ये हमको कभी भी कुछ हम इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते. हम सोचें कि हम मेहनत नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे, तो बैठे रहेंगे क्या हो जाएंगे, थोड़ा मोटे हो जाएंगे. फिर हम क्या करेंगे, जिम जाएंगे, जिम में भागेंगे. तो अल्टीमेटली भागना तो पड़ा आपको. मीन्स यू कैनॉट अवॉइड लॉज ऑफ नेचर, यू कैनॉट अवॉइड. अगर आपको बॉडी को फिट रखना है, यू विल हैव टू वर्क हार्ड फिजिकली, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू कैनॉट अवॉइड इट. सो द लॉज ऑफ नेचर आर वेरी स्ट्रिक्ट. आप अंदर ही अंदर बैठे रहें और आप स्वस्थ रह लें, नहीं, यू विल हैव टू गो इन सनलाइट. एंड इफ यू थिंक दैट एवरीथिंग आई विल मेंटेन बाय टेकिंग सम पिल्स, विटामिन पिल्स एंड ऑल दैट, देर आर ऑल्सो कॉन्सिक्वेंसेज, देर आर ऑल्सो साइड इफेक्ट्स विच विल बी अनदर प्रॉब्लम देन फॉर यू. सो हम लॉज ऑफ नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें इन एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित नहीं होना है. हमें अपना ड्यूटी करते रहना है. हमें समझना है कि लोगों का ओपिनियन आज कुछ है, कल कुछ और है. आज वही लोग जो एक्सपेक्ट करते थे, सपोज फ्रॉम सम विलेजेस दे यूज्ड टू से कि माय सन शुड गो टू अ सिटी, बट नाउ इन टुडेज टाइम इफ यू सी कोविड पैंडेमिक टाइम, एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कब हमारा घर आएगा बेटा, वापस घर आ जाए, घर आ जाए. राइट, अगर फॉरेन कंट्री में तो जल्दी से आ जाए, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री से किसी तरह से. सो टाइम चेंजेस एंड एडवर्टाइजमेंट्स आल्सो कीप ऑन चेंजिंग, मतलब वो भी फिक्स नहीं रहेंगे टाइम के हिसाब से, वो भी चेंज होते रहेंगे. तो हमें इन टेम्पररी ओपिनियन से, टेम्पररी चीजों से प्रभावित ना होके जस्ट अपना काम करते रहो. इवन दो फेलियर्स और सक्सेस, जस्ट गो ऑन डूइंग योर ड्यूटी. एंड देन थर्ड थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट, देर आर डिफरेंट प्रायोरिटीज इन अवर लाइफ. यस, बी टू बिकम ए CA ऑल्सो इज अ गोल ऑफ योर लाइफ एंड दैट इज ऑल्सो प्रायोरिटी, नो डाउट. बट देर आर सम अदर प्रायोरिटीज ऑल्सो विच आर यू कैन से मोर इम्पॉर्टेंट. वॉट इज दैट? एटलीस्ट यू कैन लिव ए गुड ह्यूमन लाइफ. That is even better priority than that, isn't it? Suppose आप जब ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और आपको एग्जाम देना है, दो ट्रेन है सपोज आपके वहां से, आपको आपको एग्जाम देने जाना है आपका, आई थिंक आपके सी ए का कुछ एग्जाम होता है ऐसा, कॉम्पिटिशन एग्जाम. जी प्रभुजी, ईयर में दो बार पेपर होते हैं. ओके, सो सी ए का एग्जाम आपका सेंटर सपोज आया दूसरी जगह में. सपोज मैं जयपुर में हूँ, कोटा में मेरा एग्जाम सेंटर आया है. अब दो ट्रेन जा रही हैं जयपुर से, एक ट्रेन है जो कि खचाखच भरी पड़ी है, उसमें अगर मुझे जाना है तो जनरल में जाना पड़ेगा सफर करके, बिल्कुल ऐसे खड़े होके पसीने में हालत खराब होके. और दूसरा ट्रेन है एसी की, लेकिन वो कोटा नहीं जा रही, वो जा रही है मुंबई. तो मैं किस में जाऊंगा? कोटा वाली में जाएंगे शायद, क्योंकि राइट, क्योंकि कंफर्ट मैटर नहीं करता. मेरे लिए क्या मैटर करता है? मेरा गोल मैटर करता है. तो और जब हम ट्रेन में, जब सपोज मान लो ट्रेवल भी कर रहे हैं, हो सकता है कई बार, हो सकता है कंफर्टेबल जर्नी भी है, ट्रेन में बैठे हैं, कुछ लोग मिल गए, दोस्ती हो गई, उनसे बातें करने लगे, तो इतनी अच्छी दोस्ती हो गई. लेकिन आपको पता होना चाहिए 3 घंटे बाद में जर्नी खत्म होने वाली है एंड आर फ्रेंडशिप विल एंड हियर. सो द ट्रेन के अंदर भी हमारे कंसर्न है, कुछ कुछ सीट ठीक नहीं है, बाथरूम्स ठीक नहीं है, ये सब, ये भी हमारे कंसर्न है, फैन नहीं चल रहा. लेकिन वो कंसर्न से हम इतना प्रभावित नहीं होते क्योंकि हमारा गोल फिक्स्ड है, मुझे वहां जाके एग्जाम देना है, इजंट इट? सो वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारे अलग अलग ऑब्लिगेशंस हैं, अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, बट वी शुड अंडरस्टैंड द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, वंस पोजिशन, हु दे आर, हाउ टू, वॉट इज दिस होल अबाउट दिस नेचर एंड वॉट इज अवर रिलेशन विद द नेचर, कैसे इस लाइफ में जीना है हमें. दीज आर मच मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स, है ना? एंड जैसे आप किसी कॉलेज में भी जाते हैं, मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था ये, कि जब कॉलेज में जब जाते हैं तो कॉलेज के लिए भी आपका ऑब्लिगेशन है, एज ए स्टूडेंट यू हैव टू परफॉर्म सम ड्यूटीज देयर, बट अबव दोज ड्यूटीज यू हैव मोर, यू कैन से यू आर मोर ऑब्लिगेटेड टू योर पेरेंट्स, योर फैमिली, इजंट इट? सो सिमिलरली यू आर ऑब्लिगेटेड टू बीइंग ए, लाइक यू टू स्टडी एज ए CA, यू टू अचीव CA, दैट इज ऑल्सो ऑब्लिगेशन, बट मोर हायर ऑब्लिगेशन आर
देयर फॉर योर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। सो ये सब जब हम समझेंगे कि हमारा जो ह्यूमन लाइफ का एक्चुअल गोल क्या है, पर्पज क्या है, ऑल दिस थिंग्स वी अंडरस्टैंड देम थॉरली, क्योंकि हम जब समझें चीज़ों, क्योंकि कोई भी चीज़, अब हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स को भी जिसने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ इवन बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। यू कैन रीड द लास्ट लेटर बाय स्टीव जॉब्स, ही इज वेरी नाइसली टोल्ड देयर कि ये सब चीज़ें खुशी नहीं देती हैं लाइफ में, मनी, ऑपुलेंस एंड ऑल दैट। इवन बिल गेट्स वेंट थ्रू सफरिंग्स एंड ऑफ स्ट्रेस एंड ऑल दिस थिंग्स। इवन आई थिंक वॉट वॉज हिज नेम, आई फॉरगॉट, कि चाइना में एक जो कंपनी है लाइक अमेजन ओनली, आई फॉरगॉट द नेम, अलीबाबा, राइट राइट। सो हु इज द फाउंडर, आई फॉरगॉट द नेम, जैक, आई थिंक जैक मा करके समथिंग। हां हां हां, राइट। सो एनीवे, सो ही हैज पर्सनली मेड दिस कमेंट कि आई विश इफ आई वुड नॉट बी द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। सो यू सी कि मतलब इवन उस पिनाकल ऑफ सक्सेस पे पहुंचने के बाद भी दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज नॉट व्हाट इज व्हाट विल ब्रिंग हैप्पीनेस इन अवर लाइफ। तो हमें हमेशा, हो सकता है सोसाइटी के ओपिनियंस को हम चेंज नहीं कर सकते, हम हालांकि कुछ लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, बट फिर भी हम सबका चेंज नहीं कर सकते। लेट अस इनरिच आवर सेल्स विद दीज नॉलेजेस, ताकि हम इन सबसे अफेक्ट ना हो। थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस ब्यूटीफुल आंसर, स्पेशली जो आपने लॉ ऑफ नेचर वाली बात बताई थी ना, वो लिटरली बहुत सही है, बिकॉज उससे बहुत चीज़ें कनेक्ट होती हैं। सपोज कोई स्टूडेंट है जो अभी इतनी मेहनत नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि कोई बात नहीं, मैं इस मेहनत से बच जाऊंगा, बट लॉ ऑफ नेचर तो यही है कि मेहनत करनी पड़ेगी, अगर अभी नहीं करोगे तो इनडायरेक्टली बाद में भी करनी पड़ेगी, और पूरी लाइफ वो करनी पड़ेगी, तो उससे बचा नहीं जा सकता, बिकॉज वो लॉ ऑफ नेचर है, तो वी हैव टू डू दैट। तो ये हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको करना ही करना है मतलब। तो प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं, अभी दो क्वेश्चन का आंसर हो गए, हाउ टू डील विद फेलियर्स and how pressure of being constantly compared by parents, society and relatives. Third is, Prabhu ji, abhi specially itna COVID ka itna pandemic hai ki kisi ko nahi pata ki kiske exams kab honge. Jin bhi bachchon ke exams the, chahe wo 12th wale ho, 10th wale ho, ya CA ho, ya IIT ho, ya any competitive exams. Sare exams ki date infinite times ke liye postponed ho gayi hai. Koi certain date nahi batai gayi hai ki is din exam hoga. To bachchon ko kya hota hai, ek lethargic wali feeling aati hai. उनके अंदर वो एंथुसियाज्म नहीं रहता पढ़ने का। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट व्हेन देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी अबाउट एग्जाम्स। दिस इज बिकॉज वी आर वेरी मच फ्रूटिव। हम क्या चाहते हैं, हमेशा फ्रूट को हम हमेशा एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए हम जो फ्रूटिव, जैसे हम कोई भी काम क्यों करते हैं, हमें लगता है इसका फ्रूट क्या रहेगा, इसका मुझे अच्छा फ्रूट मिलेगा या अच्छा नहीं मिलेगा, इसके कारण मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। बट भगवत गीता एक्सप्लेन्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देयर। इट सेज कर्मण्यवाधिकारस्ते माते फलेषु कदाचन। वन हैज द राइट टू परफॉर्म हिज ड्यूटी बट नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स, नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स। सो वी शुड नॉट वरी व्हाट इज गोइंग टू हैपन एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी जस्ट डू योर एक्शन एज अ स्टूडेंट। यू टू डू योर ड्यूटी, बिकॉज क्या होता है कि लथार्जी क्यों आता है, क्योंकि हमें कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा होता। आजकल क्या होता है, हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है, कुछ इमीडिएट रिजल्ट अगर कुछ दिख रहा है तो इमीडिएटली हम वो काम करेंगे। इवन मॉडर्न दिस एलोपैथिक मेडिसिन ऑल्सो सजेस्ट दिस कि आप टेबलेट लिए तुरंत आपको बुखार कम हो गया, सो वी फील हाँ यस दिस वर्क्स। ऐसे आप देखिए, मान लो सपोज किसी आदमी को बुखार हुआ और आपने उसका बॉडी चेक किया, हाँ ये गर्म है, तो आपने क्या किया, अच्छा ठंडा पानी डाल देते हैं, खत्म हो जाएगा बुखार। सो आपने जाकर उसको ठंडे पानी से नहला दिया, हाँ आप चेक करेंगे तो उसका बॉडी क्या हो चुका है, ठंडा हो चुका है अभी एक बार के लिए, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें जो इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलने का जो हमें वो, क्योंकि हमें आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, इन इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, दिस दैट, हमें तुरंत अपलोड करें, ये किया, वो लाइक आए, ये इधर ये हुआ, इतना कमेंट किया, वो किया, लाइक किया लोगों ने, सो दिस इज व्हाट वी आर ड्रिवन बाय। ये सब चीज़ें हमें ड्राइव कर रही हैं आज। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ों से हमें थोड़ा सा, ये जो एक्चुअली एडिक्शन, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एडिक्शन इन सम कंट्रीज ऑल्सो, सो वी हैव टू कम आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड वी हैव टू पेशेंटली वर्क टुवर्ड्स अवर गोल, नॉट थिंकिंग वॉट विल बी द रिजल्ट। The result is not in our hands. Please understand. We cannot change the results. चाहे कोई person कितना भी successful हुआ हो,
कोई भी कैसे भी रैंक आया हो, टॉप भी किया हो, आप उसे जाके पूछो क्या उनको पहले से पता था कि उनको आने वाला है? नहीं. यस दे मे हैव सम एस्टिमेशन, हाँ मैं बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूँ शायद हो जाएगा, बट मे नॉट बी. सो रिजल्ट इज नॉट इन अवर हैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दिस, बट डूइंग ड्यूटी इज इन अवर हैंड. सो वी शुड कॉन्स्टेंटली कीप ऑन डूइंग अवर ड्यूटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्रूट्स आर देयर और नॉट. हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है इतना ईजी नहीं है अंडरस्टैंड करना, इसके लिए और भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं. सो वी कैनॉट कवर देम ऑल हियर, बट फॉर नाउ वी शुड टेक इट फॉर दैट वी शुड कीप ऑन डूइंग आवर ड्यूटी, नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय द फ्रूट्स. प्रभु जी गीता में भी लिखा है कि कर्म करते चलो और फल की अपेक्षा ना करो, तो वही बेस्ट होता है। एट द एंड सबसे ज्यादा करेक्ट फ्रूटफुल वही चीज होती है। ठीक है करेक्ट. प्रभु जी, थैंक यू फॉर दिस आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम कि हम सोचते रहते हैं कि आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वी फाइंड कि हमने जो सोचा था वो नहीं किया या कुछ भी नहीं किया। तो लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग एंड डूइंग नथिंग, स्पेशली कोविड के अंदर लोगों का शेड्यूल भी ब्रेक हो गया है। जो पहले काम करते थे अब घर पे रह के वो शेड्यूल भी फॉलो नहीं करते हैं। तो इस चीज से कैसे सही करें कि हम जो सोचे हैं हम वही कर लें, या फिर जो हमारे टारगेट सेट हैं हम उनको अचीव कर लें, कवर कर लें उनको। राइट. ये आजकल सबका प्रॉब्लम एक्चुअली, इवन नॉट ओनली अबाउट स्टूडेंट्स. आपको मैं सिंपल से उदाहरण देता हूँ. आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो डॉक्टर्स हैं, वो सब लोग जानते हैं कि लंग्स कैसे काम करते हैं और स्मोक जब करते हैं तो उसके अंदर कैसे जाके अफेक्ट करता है, और कैसे कैंसर डेवलप होता है, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है, सब पता होता है उनको. फिर भी यू विल फाइंड सम डॉक्टर्स स्मोकिंग, राइट? इवन ऑन द ड्रिंकिंग ऑल्सो पैकेट, हाँ, इन द पैकेट ऑल्सो, ऑन द पैकेट इट सेल्फ इट इज रिटन स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, बट स्टिल पीपल इज, इवन एजुकेटेड पीपल इज स्मोक, एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल पीपल दे स्मोकिंग. दैट मीन्स इट इज नॉट ओनली द नॉलेज विच विल वर्क, इट इज नॉट ओनली द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर विच विल वर्क. मुझे पता है मेरे लिए अच्छा क्या है. आपने जब रात को अलार्म लगाया था तो वो अलार्म लगाने वाले आप ही तो थे, कोई दूसरा थोड़ी अलार्म सेट करके गया था, और फिर भी आपको सुबह उठने में दिक्कत हो रही है. इसका मतलब सुबह जो है कोई और आपको रोक रहा है, कोई और आपको रोक रहा है, क्योंकि रात को तो आपने ही डिसाइड किया था विद अ गुड इंटेंशन. मॉर्निंग में क्या हो रहा है? एज वी अंडरस्टूड माइंड इंटेलिजेंस एंड ऑल दैट, सो माइंड विल गिव अस आइडियाज, ये कर लो, थोड़ा और सो लो, अभी क्या जरूरत है, कल लेट भी तो सोए थे, हो जाएगा. ऑल दीज आइडियाज विल बी गिवन बाय माइंड. वी हैव टू लर्न टू बीट द माइंड, बीट द माइंड. देर इज वन वेरी फेमस सेइंग बाय वन ग्रेट स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, ही सेज इन द मॉर्निंग वी शुड बीट अवर माइंड 100 times विद ब्रूम स्टिक. विद मॉर्निंग मॉर्निंग विद ब्रूम स्टिक एंड द नाइट वी शुड अगेन बीट द माइंड विद सूज. वी विल हैव टू लर्न दिस कि जब भी माइंड जो भी हमको बोले हम तुरंत जाके वो कर दें. नहीं, ऐसा नहीं होना है हमारी लाइफ में. दैट मीन्स वी बिकम सर्वेंट ऑफ आवर माइंड. जो भी माइंड ने बोला चलो ये खा लो, हम गए तुरंत फ्रिज खोला खा लिया. नो स्टॉप. थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा बट इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल. थोड़ा माइंड को क्या करना है, जो वो बोले उसको सुनना नहीं है. माइंड को बीटिंग करना मतलब उसको मारना, मतलब उसको जो बोलता है उसको एग्जीक्यूट ना करना. हो सकता है 100 times में से आप 50 times आप फेल हो, बट 50 times तो आप सक्सीड करिए, कोशिश करिए. और माइंड क्या है, जैसे आप ट्रेन करते जाएंगे वैसे ट्रेन होता जाएगा, और होते 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 एक दिन 100% इट विल लिसन टू यू. नाउ व्हाट हैपेंस, जब आपने ये जो एडिक्शन इज समथिंग लाइक कि एक के बाद एक के बाद एक, और जो कि बहुत स्पेशली दिस थिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ टुडेज लाइक मोबाइल एंड ऑल दैट. जैसे मोबाइल खोला उसमें कुछ आया, किसी पर्पज के लिए खोला था, पढ़ने के लिए, कुछ नोट्स चेक करने के लिए, गूगल करने के लिए कोई कॉन्सेप्ट, एंड जो वो खोला तो उसमें कुछ और आया, वहाँ पे कुछ और दिखा, फिर देखा कि चलो व्हाट्सएप भी चेक कर ही लेते हैं, फिर ये भी चेक कर ही लेते हैं, फिर इधर भी आया, अच्छा उसका क्या है, उसका क्या है, एंड देन गोन गोन इन 2 hours 3 hours 4 hours वी डोंट नो. कब 4 घंटे निकल गए हमारे. सो वी हैव टू लर्न टू स्टॉप आवर सेल्स एट द वेरी बिगिनिंग. आपको एक सिंपल से एनालॉजी हम देते हैं.
सपोज एक स्लोप है, स्लोप, और उसके ऊपर एक कार खड़ी है। जब कार खड़ी है उसके टायर के नीचे आपने एक छोटा सा पत्थर लगा रखा है, बिल्कुल छोटा सा, और वो कार आराम से वहां पे खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटे से पत्थर ने भी उस कार को रोक रखा है। लेकिन जब वो कार मान लो चलने लगे थोड़ा सा भी, अगर वो एक बार चलना स्टार्ट हो गई तो सामने आप दीवार भी लगा दो तो भी नहीं रुकेगी, इजंट इट? सो जब चीज इनिशियल स्टेज में है तभी उसको हमें रोकना है। इजी है उसको पॉसिबल रोकना, इजी पॉसिबल है। लेकिन बाद में जब वो चीज जब वो प्रॉब्लम जब बड़ी हो जाएगी तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेके पहले ही स्टेज में चीजों को रोकना स्टार्ट करना। जैसे मैं कहूँ तो मोबाइल जो है, अगर आप जब उठा रहे हैं अपने पर्पज के लिए, आपको बहुत ही अंडरस्टैंड करना कि रियली में वो जस्टिफाइड है क्या, वो एक्शन मेरा रियली में मोबाइल की जरूरत है क्या? क्या मैं बुक से नहीं पढ़ सकता क्या उस टाइम? या मैं भी ये वाला काम मैं मोबाइल वाला बाद में कर सकता हूँ क्या? मीन्स एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड एंड रेगुलेटेड, वी शुड बी डिसिप्लिन्ड। कोई भी चीज़ बिना डिसिप्लिन के सक्सीड नहीं करती है। कुछ भी आप देख सकते हैं, ट्रेन जब चलती है तो प्रॉपरली एक डायरेक्शन में चलती है पटरी को फॉलो करते हुए, इधर उधर जाने लगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स होंगे। रिवर्स सीधे जाती हैं अच्छे से डिसिप्लिन फॉलो करते हुए, अगर रिवर्स डिसिप्लिन फॉलो नहीं करें तो क्या होगा? फ्लड्स होंगी। सो एवरीवन हैज टू बी डिसिप्लिन्ड, रेगुलेटेड। वी कैन नॉट गो ऑन डूइंग व्हाटएवर आवर माइंड सेज। जनरली आजकल की सोसाइटी में हमें क्या लगता है कि हमारी लिबर्टी है, हमारी लिबर्टी है, जो मन में आए वो हम कर सकें। दिस इज लिबरेशन, ऐसा उसको बताते हैं कि हमारा लिबरेशन है जो मन में आया। नहीं 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 नहीं, आप माइंड के सर्वेंट बन रहे हैं। ग्रेजुअली व्हाट हैपेंस, यू विल कम टू ए पॉइंट वेयर यू कैनॉट स्टॉप योर सेल्फ इवन दो यू वॉन्ट टू स्टॉप। शुरू में आपने उसको लिबरेशन का नाम देके और आपने माइंड ने जो कहा वो आपने करते गए, ये सोचते हुए क्या फर्क पड़ता है, मेरे मन में जो आ रहा है वो करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरे मन में जो आ रहा है वो करूंगा। फिर कुछ सालों बाद क्या होता है, वो चाहता है चेंज करना लेकिन वो फिर चेंज नहीं कर पाता। सो प्लीज अंडरस्टैंड एट द वेरी बिगिनिंग, डोंट गिव दिस लिबर्टी टू द माइंड टू थिंक whatever comes into mind. Always a civilized human being should be guided by some authority. Keep this in your mind always, that a civilized human being means he has authority to guide him. जैसे मान लो हम सोचें कि मुझे कोई नहीं होना चाहिए मेरे ऊपर, मुझे कोई बोलने वाला, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे बोलने वाला कोई नहीं होना चाहिए। नहीं, this is very much dangerous position. At least maybe our parents, our brother, friend or whoever it may be, but there we should have some authority, some guide who is always above us to scold us sometimes even if you do wrong or to correct us. So that is required, otherwise what will happen? We will just go on what our mind will say. Do option hamare paas, ya to mind ki sune ya hum koi ek mature person ki sune. Kya sunna, kya pasand karenge hum? Ya to hum crazy mind ka sune jo ki bahut hi crazy ideas deta hai, या हम एक मेच्योर पर्सन के बारे में सुने। हम ये नहीं कह रहे कि जो पेरेंट्स हैं वो कंप्लीटली परफेक्ट हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन वो हमसे ज्यादा दुनिया देखे हैं एटलीस्ट, एंड उन्होंने ज्यादा मेच्योरिटी होगा, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, राइट? मे बी सम इन सम केसेस दे मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मोस्टली दे विल नॉट बी रॉन्ग, और मे बी समवन टीचर, सम गुड फ्रेंड। सो द मेच्योर पर्सन वी हैव टू ऑलवेज टेक द गाइडेंस। So, हमें हमेशा हमारे माइंड को किसी के नीचे रखना है, किसी पर्सन के मतलब गाइडेंस लेके हमेशा काम करना है। वी शुड नॉट डू एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली, दिस इंडिपेंडेंट नेचर विल ब्रिंग अस ऑलवेज इन ट्रबल। तो अगर हमें अपने आप को रेगुलेट करना है तो हमें प्रॉपर गाइडेंस लेके हमें हमारे माइंड को प्रॉपरली ट्रेन करना है, इस तरह से कि छोटी छोटी चीज़ों को हम रोकना स्टार्ट करें, हम जो मन में आए वो ना करें। तो ये सब जब हम प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन द प्रैक्टिसेस, टू प्रैक्टिसेस विच आई टोल्ड, रीडिंग बुक्स एंड चैंटिंग, दे विल हेल्प अस लॉट टू ब्रिंग अवर माइंड अंडर कंट्रोल। जब हमारा माइंड हमारा कंट्रोल में होगा देन इट इज अवर बेस्ट फ्रेंड, एंड फिर ये सब चीजें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस, मतलब सच में बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जब इसका सॉल्यूशन यही है बेसिकली कि हम धीरे धीरे करके ट्रेन करें और फिर चीजें सही होंगी। बिकॉज आप एक दिन में चाहें कि सब कुछ सही हो जाए, अगर चीजें बहुत हद तक ऐसा होता है कि
हम कंसिस्टेंटली हमारे साथ 5-6 महीने से यही हो रहा है कि हम रोज कुछ सोचते हैं बट करते नहीं है, बट धीरे धीरे हम खुद को टारगेट देंगे और उन पे वर्क करेंगे तो इट विल वर्क. दिस इज हाउ वी कैन ट्रेन अवर माइंड. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सिंक प्रोफेशन विद योर पैशन, बिकॉज ऑब्वियसली प्रभु जी पढ़ना अच्छी बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है बट मेजोरिटी लोगों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, स्पेशली जब मल्टीपल फेलियर्स हो जाते हैं तो उनको लगता है कि या तो ये प्रोफेशन मेरे लिए बना नहीं है, और फिर उनको जिस काम में मजा आता है, लेट्स सपोज किसी को गिटार बजाने में मजा आता है तो उसको लगता है कि इन दोनों को कैसे मैनेज करूं, या तो फिर गिटार ही बजा लेता हूं या फिर इन दोनों को कैसे मैनेज करना है, इन दोनों हाउ टू सिंक बिटवीन देम. सो इसका वेरी गुड क्वेश्चन. क्या होता है कि हमें, जैसे हमने आपको बताया था, एक्चुअली मेरे जो सारे आंसर्स हैं वो जो मैंने जो पीपीटी समझाई है उससे सारे निकल के आएंगे. तो क्या होता है, जैसे हमने देखा कॉलेज के अंदर, पहले मैंने कभी गिटार छुआ ही नहीं था. सपोज कॉलेज के अंदर गया, वहाँ पर देखा एक स्टेज पे कोई आदमी गिटार पे गा रहा है और वो बड़ी ऐसे स्टाइल से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे गा रहा है कुछ, और सब लोग उसको सो नाइस मतलब सब क्लैपिंग कर रहे हैं, सब उसको चीयर कर रहे हैं. तो मेरे अंदर भी क्या आया, बिकॉज एवरी वन ऑफ अस वी हैव दिस लॉर्डिंग इट ओवर नेम फेम की जो डिज़ायर ये सब, तो फिर मैं भी क्या सोचूंगा, ओह लेट मी ऑल्सो बिकम अ सिंगर लाइक हिम, ताकि लोग मुझे भी नेम फेम मिले, लोग मेरे लिए भी चीयर करें. सो इस तरह से वो पर्सन स्टार्ट करता है और उसको वो पैशन बनाता है. अगर हमारा ऐसा डिज़ायर है पैशन का, तो मोस्टली क्या होगा, वो हमें अभी पैशन लग रहा है बट इन फ्यूचर इट मे कम डाउन एज द कर्व केम डाउन, वी अंडरस्टूड दैट, है ना. सो हमें कभी भी कोई हमारा जो पैशन है वो हमें प्रॉपरली बहुत ही, जैसे हमने बताया कि किसी अथॉरिटी के साथ डिस्कस करके अंडरस्टैंड करके, दैट इज इट रियली माई पैशन और आई एम गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाई समवन, कि कोई दूसरा ऐसे कर रहा है ऐसे ऐसे कर रहा है इसलिए मेरा ये पैशन बन गया, या ये मेरा बचपन से इंक्लिनेशन इसकी तरफ, मेरा म्यूजिक की तरफ रियली में इंक्लिनेशन है बचपन से. सो आई कैन कंसल्ट माई पेरेंट्स, आई कैन कंसल्ट सम माई फ्रेंड्स और सम ब्रदर सिस्टर्स, बट आई शुड कंसल्टिंग. सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग का जब हमने बताया अथॉरिटी ऑल्सो मीन्स कंसल्टिंग, कंसल्टेशन करना, हमें समझना चीज़ों को कि क्या ये रियली मेरा पैशन है या मेरा जस्ट इन्फ्लुएंस आया है इधर उधर से देख के. नेम फेम के लिए जो कोई चीज़ आपको करने के लिए वो एक्साइट कर रही है, वो चीज़ एक्चुअली में आपका पैशन नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड. ये सिंपली केवल आपका नेम एंड फेम के लिए डिज़ायर हो सकता है और उसके वशीभूत होकर आप वो काम करना चाहते हैं. यू आर थिंकिंग दिस विल गिव मी प्लेजर और हैप्पीनेस, नेम एंड फेम एंड ऑल दिस थिंग्स. सो नो डाउट यू कैन चूज एनीथिंग इन प्रोफेशन एंड पैशन, यू समटाइम्स गो बाय पैशन ऑल्सो. जब आपको म्यूजिक इतना अच्छा लग रहा है एंड यू आर नेचुरली हैविंग दैट इंक्लिनेशन फ्रॉम योर वेरी चाइल्डहुड, यू कैन गो फॉर म्यूजिक, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट यू शुड जस्टिफाई विद दैट. मतलब आप रियली में आप म्यूजिक के लिए पैशनेट हैं, इंक्लिनेशन है आपका बचपन से, या जस्ट केवल आप इसलिए म्यूजिशियन बनना चाहते हैं क्योंकि आपको पढ़ाई नहीं करना है, या बिकॉज आपको कोई ये लग रहा है कि भाई इस फील्ड में बहुत नाम होता है, ये होता है. सो ये सब चीज़ों के कारण अगर हम करना चाहते तो वो नहीं करना चाहिए हमें. थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस आंसर. मेरे ख्याल से जिन मोस्टली बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में ख्याल आता है, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया. सपोज हम किसी एक्टर को भी देखेंगे तो हमको लगेगा कि हम भी करते हैं, हमको भी इनके जैसा फेम नेम मिलेगा, हम भी शाहरुख खान बन जाते हैं, हम भी ये करते हैं. बट हमें बहुत सोच के डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज बाद में जाके बहुत पेनफुल भी हो सकता है ये. बाकी एक कई क्वेश्चन ऐसे हैं शायद जिनके आंसर आपने दे दिए हैं. किसी ने लिखा है कि मेरे को छोटी छोटी चीजें बहुत अफेक्ट करती हैं, जो कोई कुछ कहकर चला जाता है सोचती रहती हूँ, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस. तो मेरे ख्याल से आंसर यही होगा कि अपने माइंड को ट्रेन करो और लोगों को इग्नोर करने की कोशिश करो, और इसके लिए आपने चैंटिंग और रीडिंग बुक आपने बताया भगवत गीता, बिकॉज लिटरली भगवत गीता मैंने भी पढ़ी थी जब मैं सीए कर रहा था. कई बार ऐसा बहुत होता था कि बहुत डिप्रेशन या बहुत लोगों से बहुत फर्क पड़ता था कि मेरे साथ वाले लोग जो मेरे से पहले पीछे थे अब वो इतना आगे हो गए हैं, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ. तो फिर एक ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वाली जो चीजें आती थी ना, फिर भगवत गीता पढ़ते थे तो इन सब चीजों से बहुत दूर हो जाता था मैं, और लिटरली एक सेंस ऑफ प्लेजर अच्छा लगता था, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता था. तो मैं तो सबको ये सजेस्ट करूंगा, बिकॉज प्रभु जी ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि एटलीस्ट रोज एक या दो पेजेस आप पढ़ें, बिकॉज अभी तो ऐसा तो है नहीं कि दो पेजेस पढ़ने में आपको आधा घंटा एक घंटा लगेगा, हार्डली इट विल टेक 15 मिनट्स.
but literally it will be very beneficial. And second thing, we are human being means हम सोचेंगे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई चीज गलत नहीं है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, जिस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं, हमें उसको चेंज करना है. हम ये भी तो कंटेम्पलेट कर सकते हैं, हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ये ह्यूमन लाइफ है, हम पहले छोटे से थे, अभी हम यंग एज में इतने हैं, फिर हम हमारे सामने देख रहे हैं ओल्डर पर्सन भी, और फिर ओल्ड एज भी देख रहे हैं, देन वी आर सीइंग द डेथ ऑल्सो. तो ये सब चीज़ों पे हमें क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज दिस हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, हाउ पीपल आर चेंजिंग देयर लाइफ, नेचर के अंदर इतनी सोफिस्टिकेटेड चीज़ें हो रही हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स दे आर हैपनिंग सो मिस्टीरियसली. अर्थ के अंदर से इतना अच्छा ब्यूटीफुल फ्लावर आ रहा है. सो ऑल दिस थिंग्स शुड बी आवर पार्ट ऑफ आवर कंटेम्पलेशन. मतलब ये क्वेश्चन हमको आने चाहिए, हम ये क्वेश्चन की तरफ हमारा दिशा मोड़ सकते हैं. तो हमारा जो सोचने की जो टेंडेंसी है, छोटी छोटी बातें हैं ये सब, तो वहाँ पर सोचना स्टार्ट कर सकते हैं, और ये चीज़ हमें रियली में हेल्प करेगी. अब कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सर आप तो ऐसा बोलते हैं कि डेथ जो है तो इसके बारे में आप तो डराते हैं चीज़ें, आप तो डरा रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसे बोल के. बट वी शुड अंडरस्टैंड वी आर नीदर पेसिमिस्टिक नॉर ऑप्टिमिस्टिक, वी आर रियलिस्टिक. लाइफ में क्या रियल है उसके बारे में, कोई सपोज आपको ऐसे बोल रहा है कि सपोज बाहर जयपुर में कोविड है ही नहीं, और कोई आपको आके डरा रहा है, सी यहाँ पर बहुत ऐसे बाहर मत जाना, ऐसे है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आप बोल सकते हैं कि आप उसका क्या है, ये पेसिमिस्टिक व्यू है. हालांकि एक ही केस था जयपुर में, लेकिन वो डरा आपको ऐसे रहा जैसे बहुत बड़ा कुछ हो गया हो. लेकिन डेथ जो है, सपोज डेथ इज नॉट समथिंग पेसिमिस्टिक थिंग, ये तो एक रियलिटी है. एवरीवन विल हैव टू गो थ्रू दैट वन डे, एवरीबडी विल हैव टू वाइंड अप ऑल द एक्टिविटीज. सो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट. केवल यहाँ इन चीज़ों के बारे में परेशान होना, दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ. हमें कुछ और भी, ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर अ हायर इंटेलिजेंस. जो आप देखेंगे एनिमल्स को, अगर आप एक्टिविटीज को अगर ऑब्जर्व करें, तो चार ही एक्टिविटीज में उनका दिमाग रहता है हमेशा. आप चाहे बिल्ली को ऑब्जर्व करें, कुत्ते को ऑब्जर्व, किसी को ऑब्जर्व करिएगा, आप पाएंगे देर इंगेज इन फोर एक्टिविटीज, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग. आई रिपीट, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग. इनके अलावा पांचवी कोई भी एक्टिविटीज एनिमल्स को आप करते हुए नहीं पाएंगे. बट ह्यूमन बींग्स आर सपोज्ड टू राइज अबव दीज फोर थिंग्स. लेकिन अगर हम वो नहीं कर रहे हैं, देन वी आर स्टिल ऑन एनिमल प्लेटफॉर्म. तो हम केवल इसी के बारे में सोच रहे हैं कि हाउ टू डिफेंड, हाउ टू ईट नाइसली, हाउ टू स्लीप नाइसली, हाउ टू मेट, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी ऑन मेटीरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म. इवन वी आर ऑन एनिमल प्लेटफॉर्म ऑनली. हमें थोड़ा सा हायर सब्जेक्ट मैटर्स को कंटेम्पलेट करना है, सोचना है, कोई दिक्कत नहीं, बट वी हैव टू थिंक ऑफ सम हायर सब्जेक्ट मैटर्स, नॉट लाइक एनिमल्स. थैंक यू प्रभु जी. बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लोगों के पर्सनल उस पर हैं, ओपिनियन पे, तो मैं शायद यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करना सही नहीं रहेगा. पर एक जनरल मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्पेशली जब बच्चे टेंडर एज में होते हैं, 18, 19, 20 एज की एज में होते हैं, ऑल दो उनको दिख रहा होता है कि उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या गोल्स हैं, फिर भी वो गलत चीज़ों की तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. इधर इट इज अपोजिट जेंडर, और इट इज लाइक एल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह, कुछ भी, नशा, कुछ भी, मतलब कोई ना कोई गलत चीज़ जो उनको उनके मेन गोल से डेविएट करती है. तो कोई ऐसी चीज है जो उनको हमेशा राइट ट्रैक पे बनाए रखे, या फिर उनको उनको डिस्ट्रैक्शन ना हो, या फिर उनको सही गलत की उसी मोमेंट पे चीज पता चल जाए, बिकॉज बाद में जाके फिर उनको रिग्रेट होता है, फिर उनकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आ जाते हैं इससे, तो इसका कोई सॉल्यूशन हो तो. सो वन वर्ड आंसर इज एसोसिएशन. एंड क्योंकि ये जो चीजें जो हमने डेवलप की हैं, तो डेवलप भी हमने एसोसिएशन से की हैं, और इनको वापस अगर हमें खत्म करना है तो वो भी एसोसिएशन से ही होगा. सो ट्राई टू बी इन कॉन्स्टेंट एसोसिएशन विद पीपल हु आर एक्चुअली कंसर्न अबाउट यू. एक्चुअली कंसर्न अबाउट यू मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज में आपको ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं, बोलते हैं तू तो मेरा जिगरी यार, अले पी यार एक और, तू ये नहीं पिएगा तो क्या होगा तेरा, ऐसे करके दे एक्चुअली वॉन्ट्स टू spoil your life, but we think of them as very good friends. So we should understand to discriminate ki kaun really mein hamara acha friend hai, kaun hamara really mein well-wisher hai, and the real well-wisher is not ki aapko aapse kuch expect nahi karega wo. Real well-wisher jo material friendship hoti hai,
जो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे होती है वो क्या होती है, इट इज़ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब तुम मेरे लिए मदद कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए मदद कर रहा हूँ, दैट्स वाई वी आर फ्रेंड्स, दिस इज बिजनेस फ्रेंड्स। बट द रियल वेलविशर मीन्स ही रियली वॉन्ट्स योर वेलबींग, रियली वॉन्ट्स योर वेलबींग इवन एट द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग समथिंग। हो सकता है उसको पर्सनली कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़े। सो सच पीपल वी शुड एसोशिएट, एटलीस्ट वी शुड। जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि हम हमारी जनरेशन के लोग हैं तो हम हमारी जनरेशन के लोगों से ही एसोशिएट करें, ऐसा नहीं है। देर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड दोज आर मोर मेच्योर देन अस इन एज वाइज, इवन एटलीस्ट वी आर नॉट टेलिंग दैट दे आर ऑल्सो परफेक्ट, बट एटलीस्ट मोर एक्सपीरियंस देन अस, मोर मेच्योर देन अस। वो चीज़ आदमी कब रियलाइज करता है, वेन ही गोज थ्रू ऑल दिस प्रॉब्लम्स एंड देन एट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ देन ही रियलाइजेस, काश मैं उस टाइम अपने एक्सपीरियंस लोगों की बात मानता। सो वी शुड नॉट बी सो फूल टू नॉट एक्सेप्ट द सजेशंस फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड पीपल, है ना। सो एसोसिएशन फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड पीपल कैन ब्रिंग अस अ वेरी गुड फॉर्चून इन अवर लाइफ एंड हम कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं हमारी लाइफ। बिल्कुल प्रभु जी, बिकॉज एक बहुत फेमस लाइन भी है कि समझदार व्यक्ति वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, ना कि खुद की गलतियों से सीखे। सो एसोसिएशन विद एक्सपीरियंस पर्सन हमेशा हेल्प करेगा हमें, और ये हमें पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रेंड या कौन सा इंसान हमारे लिए जेन्युइन है, कौन सा हमारे लिए फ्रूटफुल है और कौन सा नहीं। सो प्रभु जी, दिस सेशन वॉज सपोज टू बी फॉर 1 आवर, क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है बट टाइम की बहुत लिमिटेशन है। आई एम सॉरी, मैंने आपसे 1 आवर के लिए ही आपको यहाँ इन्वाइट किया था, लेकिन फिर भी आपने मुझे विदाउट इंटरप्शन अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। क्वेश्चंस तो इतने सारे हैं, बिकॉज अगर मैं क्वेश्चंस लेने लग गया तो ये रात खत्म हो जाएगी आज। बट थैंक यू सो मच प्रभु जी, और बाकी बच्चों के हम देखेंगे क्या रिस्पॉन्स रहता है, और बाकी बच्चों की जितने भी क्वेरीज होंगी तो आई विल ट्राई कि मैं आपसे आपका टाइम ले सकूं कभी, जब आप भी फ्री हो और इस तरीके से चीजें मैनेज कर सकें कि एक और सेशन रख सकें, इसके आगे के वर्जन की बात कर सकें, आगे के लेवल की बात करें, बिकॉज आज बहुत बेसिक्स हमने सीखे। और आई होप कि जितने भी लर्नर्स हैं उनको लिटरली कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, बिकॉज इतना ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है अभी, और आपने इतने अपने इतना अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स हो गए हैं और इसमें आपने इतना कुछ बताया, तो आई थिंक इट विल बी फ्रूटफुल फॉर एवरीबडी। और मैं तो प्रभु जी इतना इंस्पायर्ड हूँ आपसे कि आफ्टर डूइंग सीए मैंने जॉब वॉब कुछ नहीं लिया, मेरे को यही था कि आप जैसे टीचिंग कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं उतना तो नहीं हूँ कि मैं आपकी तरह समझा पाऊँ, लेकिन एटलीस्ट जो मैंने खुद से सीख के आया हूँ मैं अपने कोर्स में लोगों को वो ही बता सकूँ। एंड थैंक्स टू अन अकेडमी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूँ, बच्चों को ट्रेन कर सकूँ। सो स्पेशल थैंक्स टू यू कि आपने मुझे आपसे लिटरली ये सब चीज़ें सीखने को मिली। एंड सो आज का सेशन यही कंक्लूड करते हैं, एंड सॉरी टू ऑल दोज स्टूडेंट जिनके भी मैं कमेंट्स नहीं ले पाया, बिकॉज इतना ज़्यादा फ्लो था बच्चों के क्वेश्चंस का, तो शायद 80-90% बच्चों की प्रॉब्लम इसी तरह की थी, तो इस तरह के क्वेश्चंस लिए, बाकी कुछ पर्सनल क्वेश्चंस थे तो उनको हम कभी ऐसे सोचेंगे कि किसी दिन किसी पर्टिकुलर टाइम पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू प्रभु जी। अगर आप कुछ एंड में कुछ अगर मैसेज देना चाहें, या फिर एक बार क्या आप चैंटिंग का कोई प्रोसेस बता दें, बिकॉज चैंटिंग इज अ वेरी गुड थिंग, कि या तो हम 10 टाइम्स या 11 टाइम्स कुछ करके देख लें, या आप एंड में जो भी मैसेज देना चाहें। यस, सो ऑल ऑफ यू कैन बिगिन दिस प्रैक्टिस ऑफ चैंटिंग, इट इज वेरी मच ऑथराइज्ड। प्रभु जी जस्ट वेट, योर वॉइस गॉट स्टक। हाँ, एक बार फिर से बोलिए, एक बार कुछ अटक गया था या लैग हो गया था। यस, हमें सुन पा रहे हैं आप अभी? हाँ, शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल दिखा रहा था। हाँ, अब ठीक है। सो वील दिस चैंटिंग ऑफ दिस इज नॉन एज साउंड मेडिटेशन एंड हैज बीन प्रैक्टिकली रिसर्च्ड इन वेरियस यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा एंड इन इंडिया ऑल्सो, IIT इंदौर, दे लास्ट ईयर ओनली दे हैड दिस रिसर्च। And what did they do? They took some, like a group of students who continuously chanted for 6 months every day, 10 minutes, and they chanted this Hare Krishna Mahamantra, which is as follows: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So they chanted this mantra continuously for 6 months, and every day
they were observing the signals, some alpha, beta, gamma waves, they say, in their electromagnetic understanding. So they couldn't find a big difference in bringing down the stress and anxiety a person was going through earlier. And the people were, those who practiced this chanting were very much peaceful, calm in comparison to 6 months earlier. So from both the perspective of the classical or the modern, we can understand this chanting is very much important. So aap bhi sabhi log apne jahan par bhi hain wahan pe aap start kar sakte hain. And even if you feel that ki I'm not feeling comfortable, halanki Hare Krishna mantra chanting ke bare mein kuch bhi aisa nahi hai ki it is specific to some religion or something like that. Even people from all over the world, they are chanting. So, but if still if you feel, you can take some another name of God according to your suitability, and then you can chant that name. But sound meditation is what? You produce sound from your tongue and hear the very sound, same sound you have to hear. आप टंग से प्रोड्यूस करेंगे और सुनेंगे, एंड इतना जोर से भी नहीं बोलेंगे, बट इतना कम भी, धीरे भी नहीं बोलेंगे कि आप सुन ना पाए. सो आप बोलना है और सुनना है, बोलना है और सुनना है, दैट्स ऑल. सो दिस प्रैक्टिस वी विल डू फॉर नाउ फॉर 11 टाइम्स. आप स्टार्ट कर सकते हैं 21 टाइम्स और 108 टाइम्स ऑल्सो एवरी डे एज पर योर टाइम अलाउज. सो हम एक बार 11 बार प्रैक्टिस करेंगे, दैट सेम प्रैक्टिस यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर एवरी डे लाइफ. सो विल बिगिन. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो एक्चुअली इन दिस यू कैन ओपन योर आईज और यू कैन क्लोज योर आईज, नथिंग मैटर्स. ओनली थिंग मैटर्स इज यू टू हियर योर वेरी साउंड विच यू आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम योर टंग, एंड दैट वेरी साउंड यू टू हियर. तो आप सभी लोग मेरे साथ ही, जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे साथ ही आप लोग कर सकते हैं. सो 11 टाइम्स विल डू. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो यू योर सेल्फ कैन प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस द चेंज इन योर लाइफ विद इन 1 month, दैट आई कैन अश्योर यू. लास्टली दोज हु फील दैट दे वॉन्ट टू बी इन कॉन्स्टेंटली टच एंड वॉन्ट टू रिसीव मोर सच, लाइक वी कैनॉट स्पीक एवरीथिंग ऑन इन दिस स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, तो हम अगर और ज़्यादा हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं टीचिंग्स को अच्छे से, then we can come on another platform. So I think Aksans will share a link with you all in the comment box, and there you can register and we can have further discussions there. Thank you very much Prabhuji. Hare thank Krishna. You Prabhuji, and especially Akshay Patra Foundation, jaise covid mein bhi aur paise bhi midday meals scheme wagera pure India mein wo logon ko food ki, bachchon ko food ki facility dete hain, to aap literally bahut ek bahut zyada acha kaam kar rahe hain. या फिर हिंदू शब्द में कहूँ तो बहुत ही पुण्य का काम हो रहा है ये, और आप लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं एंड इन अ वेरी लॉजिकल एंड साइंटिफिक वे, बिकॉज यू हिमसेल्फ इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. आपने जॉब भी किया था बॉम्बे में आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग, एंड राइट नाउ यू आर डूइंग द वर्क ऑफ प्रीचिंग एंड टीचिंग. सो थैंक यू सो मच. सो आज के लेसन का अगर मैं कुछ स्पेशली एक वन मैसेज देना चाहूँ, तो सिर्फ यही चीज मैंने सीखा कि माइंड को कैसे ट्रेन करें. लाइक सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हम सोते भी हैं नींद में, और नींद में सोने के बाद सपोज ऐसा सपना आता है हमको कि हम नदी में गिर गए, तो उसी टाइम हमारी इमीडिएटली नींद खुल जाती है, बिकॉज हमारे माइंड को नहीं पता कि उसकी बाद की सिचुएशन क्या होती है. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माइंड ओनली, कि हम माइंड को किस तरीके से ट्रेन करते हैं, एंड हम फिर कोई भी प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. माइंड को ट्रेन करने के लिए प्रभु जी ने दो चीजें बताई हैं, स्पेशली रीडिंग भगवत गीता या कोई भी रिलीजन की कोई भी बुक लाइक बाइबल कुरान एनीथिंग, एंड चैंटिंग ऑफ द नेम ऑफ स्पिरिचुअल गॉड, बिकॉज उससे हमारा एक माइंड को और
हार्ट को सेटिस्फेक्शन मिलता है और एक फेथ डेवलप होता है हमारा. सो विद दिस नोट, विद दिस मैसेज, आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं. थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने अपना इतना प्रीशियस, इतना वैल्यूएबल टाइम दिया एंड वो भी एक्सटेंड कर दिया हमने. एंड आई होप अगर स्टूडेंट्स डिमांड करेंगे और कुछ और भी क्वेरीज होंगी तो वी विल टेक वन मोर अदर सेशन. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण. ठीक है प्रभु जी.